So guys, we are moving on chapter number 3. So very, very important chapter from the examination point of view. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका क्या बोलते हैं वेटेज सबसे ज्यादा है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ में इसका जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज्यादा है. इसके जो क्या कहते हैं हम लोग उसको, इसका जो जो नंबर ऑफ पेजेस इसमें शामिल है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना. तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है. लेट्स डू इट. So this chapter is broken down into the different parts. सबसे पहले तो जानना है इस चैप्टर का जो एक कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट. उसके बाद में है उसके कंट्रोल्स, और उसके बाद है उसकी ऑडिट. अगर मैं इस चैप्टर को देखता हूं तो मेरी आंखों से देखेंगे, अगर इस चैप्टर में मेनली तीन कॉन्सेप्ट है. एक तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स, इन सारे कंपोनेंट्स के ऊपर कौन से कंट्रोल होना चाहिए, और लास्ट में पॉइंट ऑफ व्यू वो सारे कंट्रोल्स का ऑडिट कैसे करना चाहिए. इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे इसके बच्चे हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, ये सारे कंपोनेंट्स है. पर उसमें कंट्रोल्स कौन से, कंट्रोल्स में how we have to classify the control on the basis of objectives. This will be a preventive detective corrective. Then on the basis of what? ISR. And on the basis of what? Audit. ISR mein physical, logical, environmental. Audit mein hai application and what? Managerial. Ye do hai. Aur baad mein audit ka kya sambandh hai? Dekho, ye chapter pura linked ek dusre se. इंफॉर्मेशन सिस्टम में कहा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसमें पांच कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए देयर आर फाइव थिंग्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क. पर ये सारी चीजों के ऊपर रिस्क बहुत है, और रिस्क के साथ में कंट्रोल लगाना जरूरी, इसलिए पॉइंट नंबर 2 में कंट्रोल, इस चैप्टर में कंट्रोल सिखाया डिटेल में. और एक बार कंट्रोल लगाने का में ये जिम्मेदारी है ऑडिटर की, ऑडिट करे कि सारे कंट्रोल सही चल रहे. कंट्रोल जो लगाए हैं it will be checked in audit to know whether all controls are working properly, whether all controls are operational in nature. Aage badhenge. To is chapter ka yehi hai, itna hi karna, that's all. Are you ready guys? Come on. Yes, sir. Chat option chalu kiya kya bhai? Pane bhul jata hai ye banda. Okay, let's start. Come on, guys. Let's start. Let's do it. Come on. अभी हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से. हो, अब आ रही आवाज, आवाज आ रही, आवाज आ रही. ओके ओके, आवाज आ रही, आ रही. अब मैंने गलती से म्यूट हो गया था, आई थिंक अभी आवाज आ जाएगी. ओके दोस्तों, भाई और बहनों, ये पूरा के पूरा जो कंपोनेंट है इट इज ब्रोकन डाउन टू फाइव पार्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क. सबसे पहले पढ़ेंगे हार्डवेयर, सबसे पहले पढ़ेंगे हार्डवेयर. हार्डवेयर में है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड व्हाट? स्टोरेज. तो इनपुट, प्रोसेस, अब देखेंगे इनपुट. कीबोर्ड, माउस, इनपुट. प्रिंटर, मॉनिटर, आउटपुट. पर आउटपुट में इन्होंने कुछ पांच बातें कही है. अरे अभी तक नॉट ऑडियो. प्रोसेस, आउटपुट एंड व्हाट? स्टोरेज. आ गया ना आवाज, अभी भी साउंड.
अभी क्यों बोल रहे सर? अरे आवाज का चेक करो एक बार। आ गया ना आवाज अब? अरे आवाज आ गया ना अभी, मुझे दिख सुनाई दे रहा है। ओके डन, आवाज आ गई। अब बात करेंगे दोस्तों यहां पे, अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो इसमें टेक्सचुअल आउटपुट यानी कि वर्ड, ग्राफिकल आउटपुट यानी कि एक्सेल में ग्राफिकल आउटपुट आते हैं, उसको एक्सेल को कहेंगे ग्राफिकल आउटपुट, या फिर हम लोग टॉम एंड जेरी देखते हैं वो भी ग्राफिकल आउटपुट है। टैक्टिकल हमारे नोट पे जो ब्लाइंड लोकली किया था उसको टैक्टिकल आउटपुट बोलते हैं। ऑडियो जैसे वीएलसी की बात करते हैं, वीएलसी पे ऑडियो आउटपुट भी आता है और वीडियो आउटपुट भी आता है। तो ये सारे एग्जांपल्स है आउटपुट के। तो पहले आपने देखा कि इनपुट है आउटपुट है, सो हार्डवेयर में इनपुट भी हो सकता है आउटपुट। आप देखते हैं प्रोसेस एंड स्टोरेज। प्रोसेस में तीन बच्चे हैं मेनली, कौन से? एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। 2+2 की बात करते हैं, जब मैं कंप्यूटर को 2+2 बोलता हूं बताओ कितना है? तो इट गोज टू ओएस, ओएस से आता है वो सीयू के पास में। देन सीयू विल सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू व्हाट? रैम। रैम बोलेगा मुझे आता नहीं। Then it will be sent to what? ALU. ALU बोलेगा मुझे आता है, because मेरे पास में registers है। Then ALU will perform this job and it will be sent to CU and then it will be sent to RAM and RAM से आएगा screen के ऊपर। If you understand the entire scenario, आप बताएंगे what is the role of ALU? ALU का काम क्या है? ALU करता है plus minus, यानी mathematical calculations। But जो calculations है, वो करने के बाद it will not be sent to CU। वो कुछ समय तक उस memory में जाता है, उसका नाम है registers। So what is the role of CU? CU is the mediator between RAM and ALU. RAM से डेटा लेता है, ALU को देता है, ALU से लेता है फिर RAM को देता है। It's like that. CU काम नहीं करता, वो काम करवा के लेता है। प्लस माइनस कौन करेगा? ALU। पर वो करते समय जो मेमोरी लगती है वो कहां है? वो रजिस्टर्स में। आपसे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी की। आपसे बात करेंगे चार टाइप की मेमोरी है, इंटरनल, प्राइमरी, सेकेंडरी, वर्चुअल। इंटरनल, प्राइमरी, सेकेंडरी, वर्चुअल। आपसे मैं पूछूंगा इंटरनल क्या होता है? हमारे जो मदरबोर्ड होती है ना, मदरबोर्ड पे भी जो दिखाई ना दे होती है पर दिखती नहीं, उसको प्राइमरी कहते हैं। यानी कि हमारे प्रोसेसर के अंदर, अगर आपने जैसे रेगुलर क्लास में हमने मदरबोर्ड को देखा है, उसके अंदर इंटरनल मेमोरी होती है और कैशे मेमोरी होती है। सर इंटरनल मेमोरी मतलब क्या? एकदम अंदर उसके भी, राइट? एकदम अंदर। प्राइमरी वो होती है जो मदरबोर्ड पे दिखती है, जैसे एग्जांपल रैम रोम दिखती है। सेकेंडरी होती है जो मदरबोर्ड पे नहीं होती, जो कंप्यूटर, एग्जांपल हार्ड डिस्क, एग्जांपल पेन ड्राइव, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी होती है जो मदरबोर्ड पे होती है, और इंटरनल जो होती है मदरबोर्ड पे होती है पर दिखती नहीं, एग्जांपल कैशे। अगर कैशे की बात करेंगे, हमारा जो सीयू होता है, सीयू जो काम हम लोग कंप्यूटर को बार बार करते हैं ना, तो क्या होता है ना दोस्तों, एक बात याद रखिए, जब भी सपोज कोई एग्जांपल, कोई मैं वीएलसी लगा रहा हूं, वर्ड लगा रहा हूं, कुछ भी, तो वो कहते हैं वो डेटा रैम में आके प्ले होता है। तो अब आपको क्या है कि वो डेटा जो रैम में आके प्ले हो रहा है, तो अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हार्ड डिस्क पे, अगर मान लो कोई गाना था हार्ड डिस्क पे, उसको क्लिक करता हूं मैं, तो आता कहां है? रैम में। बराबर है? तो हर बार उसको प्ले करने के लिए रैम के पास जाना पड़ता है। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा ऐसे लिख के बताना पड़ेगा, उसके बाद नहीं चलेगा अभी। जैसे ये देखो, ये रैम है, ये मेरा क्या है? सीयू है। ये क्या है? मेरा रैम है। और यहां पे क्या है? ये कैशे है। अब क्या होगा, बार बार इसको, इस सीयू को बाहर जाना पड़ता है, तो डेटा लेता है। अब मान लो कुछ भी आपने किया वो रैम के, तो इसलिए बार बार सीयू को रैम, अब रैम एक्चुअली है मदरबोर्ड पे, पर सीयू प्रोसेसर, ये प्रोसेसर है, उसको बाहर जाकर लाना पड़ता है। इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसीलिए क्या कर दिया इन्होंने, बोल दिया कि जो चीजें बार बार, जैसे आप स्टडी करते समय पानी पीते हो बार बार, तो पानी का बॉटल रखते हैं ना बार बार किचन में, नहीं जाएंगे। वैसे जो 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 चीजें सॉफ्टवेयर हमें बार बार लगते हैं ना, वो ऑब्जर्व करता है कि यूजर कौन सी चीजें बार बार यूज करता है, तो वो सारी चीजों का डेटा अब इनके कैशे में रिकॉर्ड हो जाएगा। सो व्हेनेवर दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी डिमांडेड बाय द यूजर, तो सीयू विल नॉट रिक्वायर टू गो टू रैम, ऑटोमेटिकली दिस डेटा विल बी रेडिली अवेलेबल इन द कैशे। And it will reduce what the time gap. तो इसलिए कहते हैं RAM के बार बार RAM के पास जाने से अच्छा जो डेटा बार बार लगता है, it will be stored in cache, वहां से ही मिल जाएगा हमें। ये हो गया number one. I hope you understand this. Yeah. Okay, next point. उसके बाद में आपको दूसरा point है यहां पे, primary RAM and ROM.
What is the difference between RAM and ROM? RAM मतलब random access memory, ROM मतलब read only memory. एक बार लिखो, बार बार पढ़ो ROM. बार बार लिखो, बार बार पढ़ो RAM. Whenever we do anything on computer, any software or anything which we do on computer, उसका data hard disk से आता है RAM में. ROM में नहीं आता. आपने कुछ गाने play, movie play किया, वो RAM में आता है. तो RAM का data कैसा? तो volatile होता है. आप computer बंद कर देंगे, RAM का data zero हो जाएगा. पर ROM का data, ROM is not volatile. ROM आप कंप्यूटर बंद भी करते तो ROM का डेटा ROM में ही रहेगा. इससे जो चीजें कंप्यूटर को बार बार जो चीजें कंप्यूटर को हमेशा लगती ही हैं, एग्जांपल BIOS, कंप्यूटर को जब भी चालू होने के लिए BIOS तो लगता ही है. तो BIOS को RAM में नहीं रखेगा क्योंकि RAM में तो डिलीट हो जाता है, इसलिए उसको ROM में रखते हैं जो कभी हिलता ही नहीं. ROM को बनाकर भेजता है डेवलपर, और RAM कैसे होता है मालूम है? हम जो करते हैं ना वो RAM होता है. तो RAM किससे कनेक्ट होता है? यूजर के एक्टिविटी से. और ROM मैन्युफैक्चरर उसको पहले से डिफॉल्ट करके भेजता है. ये भी आपको समझ गया होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल RAM? अब जरा देखो इसको, मैं इसको भी मुझे ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा. अब देखो क्या होता है ना, ये एक हार्ड डिस्क है और एक RAM है. अब क्या होता है ना, हमारे कंप्यूटर में 4GB का RAM है और मान लो हार्ड डिस्क में 100 गाने हैं. अब पहले क्या होता था, 100 का 100 गाने ये रैम में आते थे. आपने क्लिक किया सेलेक्ट ऑल, प्ले बोल दिया. अब पहले ऑलरेडी रैम इतनी कम है, 100 गाने आके, पर एट अ टाइम तो एक ही गाना सुनते हम लोग. एट अ टाइम तो हम लोग एक ही गाना सुनते हैं, तो सारा का सारा ये जो सॉन्ग है वो रैम में आके बढ़ जाएगा. नाउ द पॉइंट इज, ये बोलते हैं कि रैम की इतनी इंपॉर्टेंस है तो रैम में उसकी जगह बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रैम अगर फुल हो गया तो रैम विल नॉट बी एबल टू, वो बोरस हो जाता है, क्या बोलते हैं, इट विल बिकम वेरी स्लो. तो क्या करते हैं आज के बाद, क्या करें, यहां पे एक हार्ड डिस्क की एक छोटी सी जगह किसको देंगे? RAM. नहीं, वर्चुअल रैम को. अब अगर मान लो 100 गाने प्ले हुए तो 100 गाने आपने सेलेक्ट किया, उसमें से एट अ टाइम तो एक प्ले हुआ, ये 100 गाने के 100 गाने वर्चुअल रैम में आकर स्टोर हो जाएंगे. पर उसमें से वो गाना जो इस समय बजाना है उतना ही एक गाना इस रैम में जाएगा. और इसकी वजह से रैम का यूसेज सिर्फ उन्हीं चीज के लिए होगा जो उस समय जरूरी है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. Virtual RAM is useful to store, to save the capacity of RAM. Virtual RAM का इस्तेमाल होता है, आपने अगर मान लो तीन घंटों की मूवी क्लिक किया हार्ड डिस्क में से, वो आएगी वर्चुअल रैम में, और वहां से जो 10 मिनट का उतना पार्ट है जो अभी चल रहा है वही आएगा आपके मेन रैम में. बिकॉज आपकी जो मदरबोर्ड है वो मदरबोर्ड डेटा लेती है रैम से, तो डायरेक्टली वर्चुअल रैम से नहीं लेते, तो वर्चुअल रैम से उतना ही डेटा रैम में भेजेंगे जो उस समय जो जरूरत चल रही है. आई होप इट इज ओके, एवरीबडी गॉट इट? ओके, हाँ आएगा. ओके, ये सब चीजें समझ गई. आप बताएंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में. आप बात करिए हार्डवेयर के चार बच्चे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, कीबोर्ड माउस इनपुट, प्रिंटर आउटपुट. प्रोसेस में ALU लगता है, CU लगता है, रजिस्टर. कौन मल्टीप्लाई वो करता है? ALU. कौन क्या करता है? कंट्रोल करता है, CU. और कहां पे वो, इट इज द मेमोरी ऑफ ALU, दैट इज रजिस्टर. आपसे मैं पूछूंगा, बताएंगे स्टोर करने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल होता है. एक तो प्राइमरी मेमोरी जो मदरबोर्ड के ऊपर थी, उसका एग्जांपल कौन सा लिया हमने? रैम, कैशे, सॉरी इंटरनल मेमोरी, कैशे. प्राइमरी में रैम रोम, फिर बाद में सेकेंडरी हार्ड डिस्क, और लास्ट में कौन सा देखा हमने? हाँ, वर्चुअल मेमोरी. क्या है वर्चुअल मेमोरी? ये हार्ड डिस्क का ऐसा पार्ट है विच कैन बी यूज एज अ रैम. तो समझ गए, हमारे मदरबोर्ड के अंदर घुस गया प्राइमरी, मदरबोर्ड के ऊपर से दिख रहा है प्राइमरी, मदरबोर्ड पे नहीं चाहे सेकेंडरी, और ये ऐसा सेकेंडरी जो प्राइमरी बोल के यूज हो रहा है वर्चुअल. समझ गए? सॉफ्टवेयर, व्हाट इज, देखो सॉफ्टवेयर वही काम करता है, नहीं हार्डवेयर वही काम करता है जो सॉफ्टवेयर कहता है. आपने बहुत अच्छा फोन लिया, सपोज ये आईफोन ले लिया, व्हाट इज द यूज ऑफ टेकिंग दिस फोन इफ दिस नो. अब सपोज मैंने इसको बोला ये आईफोन चल व्हाट्सएप दिखा, अब व्हाट्सएप इंस्टॉल ही नहीं किया तो व्हाट्सएप कैसे चलेगा? नो हार्डवेयर कैन बी यूज अनलेस द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड. अच्छा कितने करोड़ का मोबाइल ले लो या लैपटॉप ले लो, इट कैन नॉट वर्क अनलेस द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल. सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर. तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एक तो एप्लीकेशन सिस्टम. कौन से देखो, एक है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बहुत सारा कंटेंट अब डिलीट हो गया. अब ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन में फर्क क्या है? एनी सॉफ्टवेयर विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम. एनी सॉफ्टवेयर विदाउट विच कंप्यूटर कैन वर्क, एएस. वर्ड टैली, वर्ड टैली, एक्सेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉइड, ओएस. समझ गए?
सर कौन किसके ऊपर डिपेंड? नो कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट ओएस. वो बंद तो कंप्यूटर बंद. ओएस, ओएस काम नहीं करता साहब, काम करवा के लेता है. सबसे इंपॉर्टेंट आपका एप्लीकेशन, आपका टैली वर्ड तो बाद में खुलता है, पहले ओएस को काम करना जरूरी. जैसे मोबाइल में एंड्रॉइड, जैसे लैपटॉप में विंडो में देखते, ये ऑपरेटिंग, ये जान है, बैकबोन है. ये बंद तो कंप्यूटर वो काम नहीं करते. काम करो, पूरा ध्यान होता है. जैसे मैंने कुछ भी, अब मैंने प्रिंटर बोला तो प्रिंटर को कौन ओएस बोलता है? प्रिंटर प्रिंट है. मैंने कॉपी किया, बराबर पेस्ट होता है ना, वही डेटा पेस्ट होता है. कौन करवाता है? ओएस. मैंने कंप्यूटर चालू किया, पासवर्ड कौन पूछता है? ओएस. मैंने डिलीट करने बोला, बोलता आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? ओएस. भाई कंप्यूटर वो इट मेक्स एवरीथिंग वर्क. वो सारी, अब मैंने स्पीकर बोला बजा, वो बजता नहीं, वो मेरा इंस्ट्रक्शन जाएगा ओएस के पास में, ओएस और स्पीकर को बोलेंगे आप बजा. मैंने कीबोर्ड पे कुछ भी लिखा वो स्क्रीन पे आता है, मेरा कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन जाता है ओएस के पास में, ओएस के बाद में स्क्रीन पे आता है. यानी कि हर कोई काम जो मैं कर रहा हूं, कोई भी एंसिलरी डिवाइस जो कंप्यूटर में काम करे, इट इज हैपनिंग ओनली एंड ओनली थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम. आई होप यू गेट इट. आपको जवाब देना भाई और बहनों, बहुत सही चल रहा है, बहुत सही. ऐसे जवाब देते रहे मुझे अच्छा लगता है. दीपा लिशा, पल्लव गर्ग, श्रुति, लगे रहो आज पूरा एएसएम ठोक देंगे, डोंट वरी. एक्टिविटीज आर एग्जीक्यूटेड बाय ओएस. कौन से एक्टिविटीज ओएस से होते हैं? एक हार्डवेयर, हाँ इधर देखो, एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर, एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर के मेमोरी के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल करता है. ये मेमोरी नहीं, मैं बोल रहा हूं, एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर के मेमोरी के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल करता है. फिर वहां पे जाके उसके यूआई को एक्सेस करने के लिए सिक्योरिटी पासवर्ड डालना जरूरी है, तब जाके वहां के फाइल्स के ऊपर हम लोग टास्क कर पाएंगे. जो क्या है, एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर के नेटवर्क के साथ में बात करेंगे, नेटवर्क का यूज करेंगे, और बाद में उसके यूआई को एक्सेस करने के लिए उनको पासवर्ड सिक्योरिटी डालना जरूरी है. और एक बार पासवर्ड डाली तो बहुत सारी फाइल खुलेंगी, फाइल के ऊपर क्या कर पाएंगे, मल्टीपल टास्क. अब सारे पॉइंट्स में कवर है. अब क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से एक्टिविटी करता है? ये क्वेश्चन का ही मेमोरी नहीं. अब देखो भाई उसको मेमोरी कैसे है, एक हार्डवेयर, यानी कि क्या लिखा सबसे पहले, हार्डवेयर क्या लिखा यहां पर, हार्डवेयर फंक्शन. ऐसे मतलब क्या है, मैं जो भी कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे माउस पे डालता हूं वो बराबर पे स्क्रीन पे आता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ओएस. इस पॉइंट का मतलब है. यूआई का मतलब क्या, पहले कई था गई है, अब कमांड यूजर इंटरफेस नहीं, अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. आजकल जो कंप्यूटर इतना अच्छा दिखता है ना, यानी आप कुछ भी क्लिक करो बराबर चलता है, आपको ऐसे यू डू नॉट हैव टू टाइप द क्रिप्टोग्राफिक कमांड. आप क्रॉस मतलब बंद करने के लिए क्रॉस दबा देते हो, कॉपी करने के लिए कॉपी का बटन दबा देते हो, पहले ये सारी चीजों का क्रिप्टोग्राफिक कमांड था. अभी इतना आसान कैसे हुआ है कंप्यूटर? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ओएस. ओएस नहीं होता, ओएस नहीं होता तो कंप्यूटर को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता. तीसरी बात, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस. इसका मतलब क्या है, एक बंदा, एग्जांपल यहां पे मुझे लिख के बताना पड़ेगा शायद से. ये मान लो टैली सॉफ्टवेयर है, ये अपना लेनोवो, ये है क्या बोलते डेल, ये है एचपी, ये है एसर, कुछ भी ले लो. इन सबके बॉडी में विंडो है, तो बताओ क्या होगा? अगर टैली सॉफ्टवेयर अगर इन सब चारों लैपटॉप के लिए सॉफ्टवेयर बनाएगा तो चारों के लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज चारों की बॉडी में कौन है, विंडो है. तो अगर वो टैली विंडो के हिसाब से बन जाएगा तो अपने आप सबको चला जाएगा, सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. इसलिए बोलते हैं इसको हार्डवेयर इंडिपेंडेंस. ये काम भी जो है, अदरवाइज अगर ये कॉमन ओएस नहीं होता तो हर किसी कंपनी के हिसाब से अपने को अलग सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत पड़ती. आगे बढ़ेंगे. मेमोरी, हम जो कंप्यूटर में डालते हैं, हम लोग कंट्रोल सेव बोलते हैं, बराबर सेव होता ना, कौन करवाता है? ओएस. टास्क दोस्तों, मल्टीपल टास्किंग. आप कंप्यूटर में वर्ड भी चलाते हो, एक्सेल भी चलाते हो, प्रिंटर भी चल रहा है, इंटरनेट भी चल रहा है, गाने भी चल रहे हैं, सब साइमल्टेनियसली हो रहा है. ये मल्टीटास्किंग किसकी वजह से हो रहा है? ओएस की वजह से. नेटवर्क, हम लोग कंप्यूटर में इंटरनेट केबल घुसेड़ते लगे चालू होता ना, किसकी वजह से? वो वैसे चालू नहीं होगा, वो विंडो के अंदर वो ड्राइवर्स होते हैं. अब बिकॉज जब भी आप विंडो डाउनलोड करते हो ना कंप्यूटर में, तो वो उसके अंदर ड्राइवर लेके आता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो इंटरनेट चालू हो जाता है. लॉजिक, हमने कंप्यूटर ऑन किया, हमें पासवर्ड कौन पूछता है? ओएस. और लास्ट में फाइल मैनेजमेंट, बराबर हम लोग सी ड्राइव देखते हैं, बहुत सारी फाइल्स दिखती है, फोल्डर्स दिखते हैं, फोल्डर्स अंदर बहुत फाइल्स दिखती है, फाइल्स सब फाइल्स दिखती है. ये हम लोग जैसे पाथ देते हैं वो बराबर स्टोर कर देता है, वो इतना सिस्टमेटिकली कैसे होता है? सी ड्राइव के अलग, डी ड्राइव के अलग, उसके अंदर फोल्डर्स, ये सब सिस्टमेटिकली कौन करवाता है? फाइल मैनेजमेंट में ओएस करवाता है. तो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन गाइस, आर यू देयर? ओके, कम ऑन एवरीवन वेलकम बैक. सो दोस्तों बताएंगे, दोस्तों एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ओएस कौन सी? एक हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर फंक्शनलिटी, हार्डवेयर इंडिपेंडेंटली, यानी कि सबके हिसाब से टैली को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है. दूसरा हार्डवेयर मतलब जो हम लोग कीबोर्ड पे लिखते हैं बराबर जाता है स्क्रीन के ऊपर. नेटवर्क, हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चालू होता है ओनली बिकॉज ऑफ ओएस.
मेमोरी हम लोग जिस पार्ट में जहां पे जो घुसेड़ने बोलते बराबर था, मेमोरी मैनेजमेंट ओएस की करता है। यूआई यानी कि कंप्यूटर पहले कई था, अब इतना क्लिक क्लिक पे चलता है, सारी चीजें ग्राफिकल दिखती है, ओएस की वजह से। पासवर्ड कौन पूछता है? ओएस पूछता है। टास्क, मल्टीपल टास्किंग किसके से, बहुत सारे काम एक साथ कंप्यूटर पे करते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ओएस। और लास्ट में क्या होता है? फाइल्स। ये पूरी फाइल्स मैनेज कौन करता है? ओएस। इसी के साथ में ये भी खत्म हो गई। अब आपसे अगला प्रश्न, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, कॉन्सेंट्रेट गाइस, कम ऑन। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, अगर मैं आपसे पूछता हूं नेटवर्क का मतलब क्या है, व्हेनेवर टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड शेयरिंग सम फाइल्स और शेयरिंग सम डेटा और शेयरिंग सम रिसोर्सेज, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? नेटवर्किंग। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप करते, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ नेटवर्क। मैं यूट्यूब से कोई भी डेटा देखता, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क। मैं यहां से यूट्यूब से कुछ गाने देखता हूं, इसका मतलब मेरा कंप्यूटर आज यूट्यूब के सर्वर से कनेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ नेटवर्क, और इस समय नेटवर्क है जियो। नेटवर्क आपको समझा होगा, नेटवर्क से एक क्वेश्चन है आपसे, दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। मैंने फोन कॉल किया, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। मैंने एसएमएस भेजा, कनेक्शन लेस है। फोन कॉल जब मैं करता हूं, जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे मान लो मैंने दीपिका को कॉल किया, मैं कौन? जियो, उसका कौन? बीएसएनएल। हम दोनों के टावर, बीच में का सर्वर, ये सब एट अ टाइम एक दूसरे से लिंक्ड होंगे ना, तब जाके मेरा कॉल बजता, तब जाके घंटी बजती है। इसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। अगर इनमें से कोई भी एक डिवाइस अनअवेलेबल रहेगा ना, कॉल जाएगा नहीं, इसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। एसएमएस में ऐसा नहीं था, एसएमएस में इनमें से कोई डिवाइस अगर बन भी है, स्टिल मेरा एसएमएस एक बार शूट हो गया ना, और जैसे जैसे उसको चांस मिलता रहेगा, जैसे जैसे सारे लोग जो है ना उसका वो फ्री हो जाएंगे, वैसे वैसे आराम से मेरा मैसेज पहुंचता है। कनेक्शन में सबका सब इंटरमीडिएट डिवाइस का एक साथ में अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, पर फोन कॉल में इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू हैव यू नो सबका कॉमन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ईच एंड एवरी डिवाइस मस्ट रिमेन अवेलेबल। तो फोन कॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड, एसएमएस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कनेक्शन लेस। ओके, कम ऑन भाई, चलो चलो जोश में आज से, कम ऑन यार। अरे कितना आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 chapters और 4 भी खत्म होंगे। चलो कमान, आपसे एक सवाल है, ये नेटवर्क जो है, ये इंटरनेट जो है, ये लैंड जो है, ये वैन जो है, इसके से दुनिया को फायदा क्या हुआ? आरटीओ, आर फॉर व्हाट? हमारे संबंध, हमारे कस्टमर, हमारे सप्लायर। जैसे एग्जांपल, आई एम हैविंग व्हाट्सएप ग्रुप विद माय फ्रेंचाइजीज, मैं जो भी वहां पर डालता हूं, या फिर मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है स्वप्निल पाटनी क्लासेस, 82,000 सब्सक्राइबर है, इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है सी स्टूडेंट्स के लिए, 82,000। मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं, पूरे इंडिया में जाती है। मैंने अभी टेलीग्राम पे कुछ डाला है, वो सबको पूरे इंडिया। क्या है ये? रिस्ट्रक्चरिंग रिलेशनशिप, मेरे रिलेशनशिप मेरे कस्टमर के साथ में अच्छे हो रहे हैं। टी फॉर व्हाट? टाइम कंज्यूम नहीं, मैं एक बार वहां पर डालता हूं, अदरवाइज 82,000 लोगों को भेजने में कितना टाइम लगेगा? और ओवरकमिंग व्हाट? ज्योग्राफिकल, जो पूरे इंडिया से है। कमान बोल, क्या इंडिया के क्या? ये जो अभी चल रहा है, ये जो हमारा यूट्यूब पे जो चल रहा है, पूरे इंडिया से आपने देखा, सब लोगों तक पहुंच रहा है ना। ज्योग्राफिकल कुछ बैरियर से नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं आपके घर में आके पढ़ा रहा हूं। आर फॉर व्हाट? रिस्ट्रक्चरिंग रिलेशन। टी फॉर व्हाट? टाइम कंज्यूम। ओ फॉर व्हाट? ओवरकमिंग व्हाट? ज्योग्राफिकल बेनिफिट्स। मोदी नेटवर्क के फायदे ना, मोदी के फायदे। मोदी का फायदा क्या है? मोदी का कम्युनिकेशन अच्छा है, मोदी रिलायबल है, मोदी पावरफुल है, मोदी अपना काम सब में जॉब बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है, मोदी उधर के रिसोर्सेज इंडिया में लाता है। ये मोदी के फायदे, मतलब ही नेटवर्क के फायदे। सबसे पहले कौन सा होगा फायदा? पावरफुल, यानी कि आपको पता होना चाहिए नेटवर्क की वजह से सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। एग्जाम्पल, अगर नेटवर्क नहीं होता तो बैंक का सारा काम हेड ऑफिस में चलता, पर नेटवर्क की वजह से बैंक का कुछ काम हेड ऑफिस में चलता है, कुछ काम एटीएम में भी चलता है। कम्युनिकेशन क्या करता है? नेटवर्क के कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल व्हाट्सएप, एग्जाम्पल ईमेल। नेटवर्क की वजह से रिलायबिलिटी। अब देखो ना, एटीएम जरा बैंक का एटीएम से हो रहा है, अगर एक आध दो एटीएम बंद भी हो तो व्हाट डिफरेंस इट मेक्स, फिर भी काम चल रहा है, रिलायबिलिटी बढ़ रही है। आगे रिसोर्स शेयरिंग, क्या करता नहीं? एक ही प्रिंटर, मेरे ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं, एक ही प्रिंटर सब में शेयर कर सकता हूं क्या मैं? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ नेटवर्क। आई डोंट हैव टू परचेस 50 प्रिंटर्स, आई डोंट हैव टू हैव 50 इंटरनेट कनेक्शन। मेरे घर में तो एक इंटरनेट है, 10 मोबाइल चलते, शेयरिंग हो रहा है नेटवर्क की वजह से। और लास्ट में यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि अगर मान लो एक बैंक है, उसके 50 ब्रांचेस है, और वहां पे उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट। कैसे करेंगे रे वो? सबके जा जाके मांगेंगे, दे दो, ऐसा नहीं होता। थ्रू नेटवर्क सबका बैलेंस शीट यहां पे आएगा, और दे कैन मेक व्हाट? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी डिस्पर्स इन्फॉर्मेशन भी रहेंगी। यू कैन मेक देम व्हाट? कंसोलिडेटेड, इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, कम ऑन, बोलो भाई कौन सा? मोदी कौन? मोदी से क्या हुआ? मोदी से आपका नेटवर्क अच्छा, मोदी से कम्युनिकेशन अच्छा हुआ। आगे, मोदी पावरफुल पर्सन है, मोदी अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करता है और रिसोर्सेस को सब में शेयर करता है। ये सारे फायदे आपको सभी को समझ गए होंगे। एवरीबॉडी गॉट इट? कम ऑन। ओके,
आगे बढ़ेंगे, ये पेज पूरा खत्म हो गया, उसके साथ में आगे बढ़ने का समय आ गया। सेट्स ऑफ मॉडल, कोई भी इंफॉर्मेशन, एग्जांपल ले लेंगे टैली, टैली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनी सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, इंफॉर्मेशन सिस्टम। वंस अगेन, एनी सॉफ्टवेयर, एग्जांपल टैली, एग्जांपल हियर वी प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन इज कॉल्ड एज व्हाट, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब टैली के तीन स्टेप्स, हम लोग टैली में जनरल एंट्री करते हैं इनपुट, टैली उसको पोस्टिंग समराइजिंग सॉर्टिंग करता है प्रोसेस, और टैली हमें बैलेंस शीट देता है। तो बताएंगे कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के तीन स्टेप्स, तीन मॉडल्स, इनपुट प्रोसेस एंड व्हाट आउटपुट, ये खत्म हो गया। अभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, पीपल, अपन डेटा बेस में बाकी है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, अब पीपल की बात है। मुझे बताओ भाई, एग्जाम इधर देखो मेरे पास, टैली की बात करते, टैली के इंफॉर्मेशन सिस्टम है या फिर मान लो ईआरपी या फिर स्वप्निल पटनी का सॉफ्टवेयर। स्वप्निल पटनी का सॉफ्टवेयर ये दिखाता है स्वप्निल पटनी को कि पूरे इंडिया में कितना पेंटर उसका बेचा गया, कितने स्टूडेंट्स एडमिशन है, कौन से सब्जेक्ट में है, यानी कि दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय व्हाट, द सॉफ्टवेयर। दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज व्हाट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मी, आई एम द मैनेजर एंड आई एम एबल टू टेक व्हाट डिसीजंस। व्हाई डू यू थिंक टैली इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, टैली इज प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू द अकाउंटिंग मैनेजर, सो दैट अकाउंटिंग मैनेजर कैन टेक valuable decisions, इसलिए tally is an example of what, ERP is also an example of what, IS। तो आप मुझे बताओ tally के point of view से पांच components है क्या, tally क्या है, software, tally को चलाने के लिए computer लगते हैं, hardware, tally मैं चलाता हूँ, people, पर tally का data इधर उधर share करने के लिए network लगता ही है, so hardware, software, people, network। अब आप बोलेंगे data कहाँ से आया इसमें, data क्या है भाई, tally का data जो भी आप balance sheet वगैरह सब जो निकलता है क्या है, data ही तो है, तो hardware, software, data, people, network, टैली का एग्जांपल है, टैली क्या है, सॉफ्टवेयर, टैली चलने के कंप्यूटर, दैट इज व्हाट हार्डवेयर, मैं चलाता हूं, मैं कौन, पीपल, और टैली का डेटा हम लोग कहां स्टोर करते हैं, डेटा लगता है ना बैलेंस शीट, वो क्या डेटा, और नेटवर्क, टैली का डेटा इधर उधर शेयर करने नेटवर्क। तो इसलिए आपको बताना चाहिए कि ये जो पांच पॉइंट्स है ऐसे ही रैंडम पॉइंट्स नहीं है, वो कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई भी ईआरपी ले लो या टैली ले लो या मेरा सॉफ्टवेयर, पांच कंपोनेंट्स आपको उसमें दिखेंगे ही दिखेंगे। अब आप पीपल पढ़ेंगे तो पीपल आपको समझ गए, कौन से पीपल, टैली में कौन से पीपल, टैली बनाने वाला पीपल, टैली के रिपोर्ट्स देखने वाला पीपल, टैली में एंट्री करने वाला, तो अकाउंटेंट पीपल, मैनेजर पीपल, डेवलपर पीपल, डिजाइनर पीपल, प्रोग्रामर पीपल, कोडर पीपल, सब पीपल। तो पीपल कौन से, दो, एक तो बनाने वाले भी पीपल होते हैं और उसको यूज करने वाले भी पीपल होते हैं। ये पीपल खत्म हो गया। अब डेटा रिसोर्स की बात करेंगे, वो किस काम का इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जिसमें डेटा ही, देयर इज नो यूज, देयर इज नो, देयर इज नो, व्हाट आई कैन से, देयर इज नो यूज ऑफ हैविंग व्हाट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इफ डेटा इज नॉट जनरेटेड बाय दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो डेटा इज हाईली इंपॉर्टेंट, बट डेटा कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत अंदर गए बोलो, डेटा और डेटा बेस, डेटा बेस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फाइल्स, डेटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फाइल्स, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, डेटा बेस। सिस्टमैटिक, देखो मैं आपको डेटा को मतलब, डेटा मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ फाइल्स, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा फॉर फास्टर रिट्रायवल एंड एक्सेस कॉल्ड एज डेटा बेस। देखो बहुत सारी फाइल्स को एक साथ किया, डेटा बन गया, इस ब्रांच का, उस ब्रांच का, इस हर एक ब्रांच की फाइल इकट्ठा की, उसको डेटा नाम दे दिया। पर ये जब डेटा जब सिस्टमैटिकली अरेंज होता है ताकि हम लोग फास्टर डेटा एक्सेस कर पाए, इजीली रिट्राइव कर पाए, तो उसको क्या नाम देंगे, डेटाबेस। एक सवाल पूछो, फेसबुक गूगल के पास में डेटा है कि डेटाबेस है? क्योंकि आप कुछ भी सर्च करो तुरंत मिलता है। इसका मतलब गूगल ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने सब डेटा अच्छे से सिस्टमैटिकली रखा है, मतलब उनके इसमें डेटाबेस है, ये बात याद रखें। पर कोई भी डेटाबेस को मेंटेन, जैसे डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, डेटाबेस को सिस्टमैटिकली अरेंज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम डीबीएमएस होगा, डीबीएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कम ऑन एवरीबॉडी, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी आर एबल टू मैनेज डेटाबेस। अगर आपको डेटाबेस में कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, चेंज करना है, ऑल्टर कुछ भी करना हो, आपको डीबीएमएस की जरूरत है। डीबीएमएस का एग्जांपल दो, माई एक्सेस, ओरेकल, ये सारे डेटाबेस को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे माई ओरेकल में, ओरेकल और माई एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में फेसबुक का डेटा कौन से सॉफ्टवेयर में, माई एसक्यूएल में, गूगल का डेटा किसमें, माई एसक्यूएल। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े बड़े डेटाबेस होता है ना, उसको ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर लगते हैं, समझा, सिस्टमेटिक अरेंज करने के लिए। जैसे घर में का सामान मैनेज करने के लिए क्या लगता है, फर्नीचर लगता ना, तो वैसे डेटा बहुत फाइल और उसको मैनेज करने के लिए क्या लगता है, डीबीएमएस लगता है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डेटाबेस के मॉडल्स। ओके, ये भी पॉइंट ठीक है,
और ये दो तीन पॉइंट्स मुझे पढ़ाना जरूरी है। अब बताओ ये डीबीएमएस में हम लोग कौन से काम कर सकते हैं? ये दूसरी डिलीट है, दूसरी डिलीट, डी फॉर डिलीट, यू फॉर अपडेट, एस फॉर सिलेक्ट, आर फॉर रिप्लेस, आई फॉर इंसर्ट, डिलीट मतलब डिलीट, डी फॉर डिलीट, यू फॉर अपडेट, एस फॉर सिलेक्ट, आर फॉर रिप्लेस, आई फॉर इंसर्ट, डिलीट फॉर डिलीट। अब आप कहेंगे दो डिलीट क्यों है? अगर फेसबुक की बात करें, फेसबुक के डीबीएमएस में हम लोग एक आधा कमेंट भी डिलीट करते हैं और फेसबुक पूरा के पूरा अकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं। ये कैसे होता है? ओनली बिकॉज ऑफ डीबीएमएस। फेसबुक पे आप जो जो करते हो ना फ्रंट एंड में और बैक एंड में होना चाहिए। बैक एंड में चेंजेस कैसे होंगे? डीबीएमएस की वजह से। तो डीबीएमएस आपको क्या करने देते हैं? फेसबुक को देख के या इंस्टाग्राम को देख के हम समझते हैं, हम अपने कमेंट को अपडेट भी कर सकते हैं, हम अपने प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं, फोन नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी का एस फॉर सिलेक्ट, हम लोग किसी का भी नाम डाल के उसको सर्च मार सकते हैं, हम लोग अपने दिए हुए कमेंट को रिप्लेस भी कर सकते हैं और कमेंट के अंदर हम लोग एक पॉइंट इंसर्ट भी कर सकते हैं, पूरा प्रोफाइल भी डिलीट कर सकते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ डीबीएमएस। याद रखिएगा, यानी कि डीबीएमएस आपको ये सब कुछ, आप क्या करते हो? फेसबुक यूज करते हो, आपको पता है फेसबुक करवा रहा है। भाई फेसबुक एक तो फ्रंट एंड है, जो सॉफ्टवेयर है वो सब बैक एंड में किसकी वजह से हो रहा है? डीबीएमएस की वजह से। ये समझना आपको जरूरी है। ओके, आपको एक बात पूछूं, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस क्या है? और ये बहुत ही इजी है, पर आपको पहले पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो, बहुत सारी फाइल्स हम लोग बनाते हैं, वैसे क्लास में इसका प्रैक्टिकल करके बताया था, एआर फाइल, मास्टर फाइल, आपको ना एसपी फाइल, नहीं मालूम कुछ याद आया क्या? याद आ रहा होगा आपको। देखो कैसा होता ना, मैंने आपको क्लास के अंदर एक रियल लाइफ सॉफ्टवेयर बताया था जिसका नाम क्या है, अपने इसमें अपने यहां पे हमने माई एक्सेस बना था, माई एक्सेस AACESS इस सॉफ्टवेयर है अपने इसमें, और जिसमें मैंने फाइल्स करके बताया था। तो मैंने बताया था अगर बहुत सारी फाइल्स अगर हमने बनाई, बट हम फाइल्स का क्या फायदा होगा जो फाइल्स लिंक्ड नहीं होगा? तो हमने क्या किया था, अपने यहां पे एक फाइल बनाई थी मास्टर फाइल, जहां पे कस्टमर का पूरा डेटा फाइल्स बना था, पर कस्टमर का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ। फिर एक फाइल बनाई थी, एक फाइल हमने बनाई थी अकाउंट रिसीवल फाइल, यानी हम लोग उससे समझता था कौन से कस्टमर से कितना पैसे लेना है, और एक फाइल थी सेल्स पर्सनल फाइल, यानी इस बंदे को माल किसने बेचा है। आपको याद नहीं आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है देखिए, पर मुझे एक बात बोलना है। अगर मान लो मेरे पास में यहां पे, मैं आपको समझा एक थोड़ा सा, बस एक मिनट के लिए बोलता था कि वो समझ आए, एक एआर की फाइल है, एक सेल्स पर्सन की फाइल है और एक मास्टर है। आप कोई भी कस्टमर को हम देंगे, उसके कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, उसका सब कुछ, ईमेल आईडी, उसका पैन, सब कुछ यहां पे होता है। उस सेल्स पर्सन को एआर से दिखता है कि उस, मान लो कि राखी सावंत नाम के कस्टमर को हमने 10,000 का उधारी भी दिया, यहां पे दिखता है, यहां पे दिखता है उसका कि राखी सावंत को जो गुड्स दिए हैं उसके पीछे कौन सा सेल, जॉन अब्राहम था, उसने सेल किया, और यहां से उसकी समझती है उसका जो भी है उसका, यहां से समझता है क्रेडिट लिमिट, तो यहां से उसका सब क्रेडिट लिमिट में सब डाल देंगे, उसका मास्टर भी डाल देंगे और उसका क्रेडिट लिमिट भी डाल देंगे कि उसको 5,000 तक का अलाउड था। अब 5,000 का राखी सावंत को अलाउड था, यहां से समझा इस फाइल से, उसको 10,000 का दिया यहां से समझा फाइल नंबर 2 से, फिर उसको दिया किसने, राखी सावंत ने दिया, जॉन अब्राहम ने दिया, उसको एसपी से समझा। यानी कि एक बंदे का डेटा जानने के लिए हमने 3 फाइल खोली कि भाई किसने दिया, कितना देना चाहिए था और कितना दिया, 3 फाइल, मतलब आई वॉज सपोज टू एक्सेस 3 डिफरेंट फाइल्स टू अंडरस्टैंड द डेटा। डोंट यू थिंक इट्स टाइम कंज्यूमिंग? इतना मजा आएगा जब मैं यहां पे ही जाके इन दोनों फाइल को देख लूंगा। तो डीबीएमएस को क्या क्या करता है, एक की बनाते हैं, इसकी की और इसकी की और इसकी की और इसकी की, इसको जोड़ देते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस व्हेन आई क्लिक हियर फॉर एनी, जैसे मैं यहां पे राखी सावंत लिखता हूं तो मुझे दिख जाएगा राखी सावंत को कितना अलाउड था, ये फाइल इससे कनेक्ट हो जाएगी, इससे दिख जाएगा कितना दिया है और दिया तो किसने दिया, यानी कि ऑल द फाइल्स विल बी लिंक्ड विद ईच अदर। तो पर अब इससे फायदा क्या हुआ, आपका लिंकिंग हो गया, इसीलिए होता है कि डीबीएमएस में एक फायदा है कि सारी फाइल्स एक दूसरे से लिंक हो जाती है। पर इसमें फायदा क्या, जैसे मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका पैन, एग्जांपल आधार, अब यहां पे लिखा हुआ है, तो मेरा सवाल है वो एसपी में और एआर फाइल में क्यों नहीं लिखा होना चाहिए? क्योंकि ये जो पहली फाइल है वो दूसरी और तीसरी फाइल से लिंक्ड है, तो ऑटोमेटिकली पहली फाइल का डेटा दूसरी और तीसरी में जाएगा, इसलिए इसका जरूरत किसमें नहीं होगा, दूसरी और तीसरी फाइल में इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। आपको लगता नहीं हमारा डुप्लीकेशन से हो जाएगा?
डीबीएमएस के साथ डुप्लीकेशन से होता है, आपके बुक में लिखा है, एक बार चेक कर लो है क्या, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, रिडंडेंसी लिखा हुआ यहां पे लिखा है, डुप्लीकेशन कम हो जाएगा, साथ साथ में डेटा शेयर हो जाएगा, एक फाइल दूसरे से शेयर हो जाएगी, डीबीएमएस से फाइल शेयर हो जाती है, डेटा बार बार आधार कार्ड बार बार मोबाइल नंबर बार बार ईमेल आईडी तीनों फाइल में नहीं, एक ही फाइल में लिखी थी, तीनों में शेयर हो गई। इंटीग्रिटी मेंटेन, अगर मान लो कल्चर के मोबाइल नंबर चेंज हुआ तो पहले फाइल में चेंज करना है, बाकी फाइल में अपने आप हो जाएगा, अगर इधर आधार चेंज हो तो अपने आप हो जाएगा, तो पूरी सारी फाइल का इंटीग्रिटी मेंटेन होगा, सब में कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा। यहां पर देखो कंसिस्टेंसी लिखा है नीचे, कंसिस्टेंसी क्यों लिखा है, अगर इधर मोबाइल नंबर 123 तो सब जगह 123 दिखेगा, इधर 456 तो सब जगह 456 दिखेगा, इसका क्योंकि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज मोबाइल नंबर लिखा है कितनी जगह पे है, एक ही जगह, तो सब जगह पे लिखा है क्या, तो ये कब मुमकिन है, जब ये कब की बात है, जब आप डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से डेटाबेस यूज कर रहे हो। सवाल मेरा जवाब दो, क्या डेटाबेस का पहला फायदा है फाइल लिंक होती, हाँ, क्या आप डुप्लीकेशन अवॉइड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ये सारी चीजें डबल डबल लिखने की जरूरत है, नहीं, बिकॉज फाइल लिंक हो रही है, तो इसका डेटा वैसे भी उधर दिखने हो तो हर फाइल में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वापस लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रिटी मेंटेन होगी, हर जगह पे चेंज करने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पे चेंज, और कंसिस्टेंसी कैसे होगी, अगर मोबाइल नंबर इधर लिखा ही और एक ही जगह पे लिखा उधर 123 लिखा है तो सब जगह पे वही दिखेगा। अब जरा बताओ ये यूजर फ्रेंडली एग्जांपल ले लो, फेसबुक की बात होती है, फेसबुक पे डीबीएमएस यूज कर रहा है, क्या फेसबुक को यूज करना डिफिकल्ट है, क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, यूजर फ्रेंडली है साहब, इंस्टाग्राम को यूज करना डिफिकल्ट है, गूगल को यूज करना, ये सब डेटाबेस यूज कर रहे हैं डीबीएमएस, पर कोई यूज करना डिफिकल्ट है नहीं, तो इसलिए बोलते हैं डीबीएमएस बहुत यूजर फ्रेंडली है। नेक्स्ट पॉइंट, फेसबुक को और इंस्टाग्राम को आपको लगता नहीं पासवर्ड के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए मतलब क्या हुआ, अरे मतलब क्या हुआ, सिक्योरिटी, डीबीएमएस सबको सिक्योरिटी देता है, वो यूजर का डेटा सिर्फ उसको ही दिखाता है जिसने उसका करेक्ट पासवर्ड दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप समझ ले फेसबुक एक अलग चीज है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग चीज है, कल्चर के आपको फेसबुक के फ्रंट एंड में ब्लू कलर से ब्लैक कलर करना है तो बैकएंड में डीबीएमएस को चेंज करने की जरूरत नहीं, और डीबीएमएस में कुछ चेंज करना है तो फ्रंट एंड, आप समझो हम लोग जो भी फोटो अपलोड करते हैं वो फ्रंट एंड से करते हैं और बैकएंड का होता है डीबीएमएस, तो फ्रंट हमारा कंप्यूटर क्या होगा फ्रंट एंड, और जहां पे डीबीएमएस हो गया बैकएंड है, तो फ्रंट एंड में कुछ चेंजेस करेंगे तो बैकएंड में सेम चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं, बोथ आर इंडिपेंडेंट। और लास्ट में क्या है, आपका सॉफ्टवेयर बनना आसान हो जाए तो वो तो ठीक है, एडवांटेज आपको समझ गया होगा, बोलो एक बार वापस से कौन से हुए, अब ये बहुत इजी रहे आप उसको कंप्लीट में बताओ, बोलो क्या 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 फायदा हुआ, ये दो फाइल को देख के बताओ, इसको देख के तीन चार मजा लगे, सर फाइल लिंक हो जाती, डेटा शेयरिंग हो जाता, इंटीग्रिटी हो जाएंगी, रिडंडेंसी नहीं होगा है ना, और कंसिस्टेंसी मेंटेन, ये सब हो गया यहां पे। उसके बाद में क्या लिखा चौथा पॉइंट, यूजर फ्रेंडली है, सिक्योरिटी है, उसके बाद में सॉफ्टवेयर जो है फ्रंट एंड अलग है और बैक एंड अलग है, सिंपल सी बात है भाई, ये डीबीएमएस के फायदे हुए। पर आगे बढ़ते दो बातें, डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, एक सी और एक क्या है ऐसे, क्या सीएस क्या था? देखो भाई ये डीबीएमएस को जो अगर एग्जांपल फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको लगता नहीं फेसबुक को बहुत सारा पैसा लगोगे बनाने के लिए, सी और एस फॉर व्हाट, आपको लगता नहीं चाहे कितने भी सिक्योर लोग, आज भी देखते हैं हम लोग बहुत सारे ट्विटर अकाउंट हैक हो जाते हैं, बहुत सारे फेसबुक अकाउंट, फायदा क्या बोला है कि सिक्योरिटी होता है और नुकसान भी क्या बोला है सिक्योरिटी, तो फायदा सिक्योरिटी क्या, वैसे सिक्योरिटी होती है पर कुछ लोग हैकर चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट भी वो हैक कर सकते हैं, ऑल्दो डीबीएमएस की सिक्योरिटी होती है। तो देखो बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको डीबीएमएस के एडवांटेज भी समझे होंगे और डिसएडवांटेज भी आपको समझे होंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, ये मॉडल्स को हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं, आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोग को देखना पड़े, हमारा देखो कंपोनेंट्स वाला विषय खत्म हो चुका है, एक बताओ ये चैप्टर 1/3 हमारा खत्म हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल, देखो हार्डवेयर में बताएंगे हार्डवेयर में कितने होते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा, डेटा में क्या देखा हमने, डेटा के अंदर हम लोग डेटा को देखे, डेटा बेस को देखे, डीबीएमएस को देखे, साथ साथ में हमने उसके अंदर क्या कर सकते हैं दूसरी डिलीट को देखे, डी फॉर डिलीट, यू फॉर अपडेट, सिलेक्ट, रिप्लेस, इंसर्ट, वो देखा, और अभी हमने देखा उसके एडवांटेजेस देखे डीबीएमएस के और डिसएडवांटेज भी देख ले, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल, पीपल तो छोटा सा उसके अंदर बच्चे नहीं, और नेटवर्क में हमने क्या देखा, कनेक्शन ओरिएंटेड देखा, कनेक्शन लेस देखा, फिर हमने फायदों में मोदी को देख लिया है ना, और साथ साथ में हमने अरे 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 और कुछ देखा हमने, हाँ इंपैक्ट देखा, आरटीओ क्या, आरटीओ नेटवर्क के तीन इंपैक्ट है, आज से आपके रिस्ट्रक्चरिंग रिलेशनशिप होगा, टीसी टाइम कंज्यूमिंग होता नहीं है, और उसके बाद कमान ओवर कमिंग ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, ये सारी चीजें हमारी हो गई। इस तरह से चैप्टर को हमने 1/3 खत्म किया, सभी लोग जो अभी तक पढ़ रहे हैं क्या बात है, बहुत खूब कमान, एकदम बैक एवरीबॉडी कमान कमान, कैसा महसूस कर रहे हैं, 1/3 चैप्टर खत्म हो गया, 15 मार्क्स के लिए चैप्टर आएगा एग्जामिनेशन में, 15 मार्क्स ये चैप्टर, 5 मार्क का चैप्टर हमारा हो
हो चुका है, उसको पांच मार्क के लिए चैप्टर खत्म हो चुका है, अभी और दस मार्क के लिए चैप्टर हमारा बाकी है, हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलो देखते हैं आगे, अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल, इसके तीन बच्चे हुए, कौन से, हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल, अरे जरा कुछ बोलो कैसे, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश एवरीबॉडी, अभी तक ये लेक्चर 600 लोग देख रहे हैं, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मुझे लगा 100-200 लोग देख रहे होंगे, 600 लोग अभी देख रहे हैं, डटे रहो। अब इसमें क्या था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको बंद करके वो बोलते हैं थोड़ा फ्रेश हो क्या था, मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि ये लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, पर ये जो अभी 600 लोग बचे हैं वो 500 लोग भी पढ़ेंगे, पर अपना टाइम लेके पढ़ेंगे, पर मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ पढ़ो तो तुम्हारा एनर्जी बना रहेगा। हाय हाय हाय, सबका जोश हाय दिख रहा है मुझे, हार्दिक, गौरव, यशनवी, प्रशांत, प्रिंकल चावला, अदिति पांचाल, दीपाली शाह, ईशान बिंदल, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग बोल रहे जोश हाय है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी मजा आ रहा है। चलो भाई चलो चलो भाई चलो, कमान, हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। एनी कंट्रोल जो थ्रेट को होने ही ना दे, एनी कंट्रोल विच विल प्रिवेंट थ्रेट्स टू हैपन, इट्स कॉल्ड एज प्रिवेंटिव। एनी कंट्रोल इट विल नॉट प्रिवेंट, इट विल आइडेंटिफाई थ्रेट, डिटेक्टिव, इट विल नॉट प्रिवेंट, इट विल डिटेक्ट, नाउ it will just reduce the losses of threat, it's called as what, corrective. Wapas se bol do, any control which will not make any threat to happen, preventive, it will allow but it will just identify, detective, aur ye threat ko rokta nahi, hoye wale threat ke losses ko kam karta hai, usko kya bolte hain, corrective. ye teenon baatein samajh gaye, aage badhenge dosto, main aap se puchunga, password, preventive, security guard, preventive, biometric devices, preventive, CCTV, detective, detective, auditor, detective, सीसीटीवी किसी को गलत काम करने से रोकते हैं, बोले कर ले जो करना है, पर मैं तेरा नाम बोल लूंगी, सीसीटीवी डिटेक्टिव, राइट। और हमने इंश्योरेंस लिया, करेक्ट, कैसे इंश्योरेंस, अगर मैंने गाड़ी एक्सीडेंट का इंश्योरेंस लिया तो मेरा एक्सीडेंट रुकेगा नहीं, एक्सीडेंट हुआ तो उससे मालूम चलेगा नहीं, पर जो एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई वहां से होगी, उसको बोलते हैं करेक्टिव। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, ओके। अगला पॉइंट, हाउ डू वी क्लासिफाई कंट्रोल्स, ये क्या लिख रहे हैं आप, सीडी डिटेक्टिव, ओके, लाइक दैट, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बड़ा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी बात है, ओके ओके, कमान कमान नाउ, वेलकम बैक, कमान एवरीबॉडी, How do you classify control on the basis of information system resource? इसके तीन बच्चे हुए, कौन से? एक तो पहला बच्चा हुआ environmental, एक बच्चा हुआ physical, और एक बच्चा हुआ logical. Environment, इसका मतलब how do you classify control on the basis of ISR? Environmental, आग पानी धूल मिट्टी बिजली भूकंप सुनामी, ये ऐसे threat होते हैं ना, it happens due to element of nature, nobody can stop it. आग, फायर लग गई तो लग गई, अब देखना वो कोई जो यूएसए के जंगल में आग लगी तो लग गई, तो नेचुरल है, पानी, अब तो बारिश कर रहा है, फ्लड आता, कोई कुछ नहीं होता, आग पानी धूल मिट्टी, धूल तो आती है, बिजली, पावर फेलियर, क्योंकि नोबडी, अभी बहुत बारिश हो तो बिजली चली गई, ऑटोमेटिकली इट इज हैपनिंग, धूल मिट्टी, बिजली, भूकंप, अर्थक्वेक, ऑटोमेटिक, ये सारे थ्रेट से लड़ने के लिए जो कंट्रोल लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बताएं, एक दो पूछता हूं मैं, फायर से कैसे बचेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर्स, पानी से, रेज्ड फ्लोर पर रखेंगे, और पानी से वाटर प्रूफ यूज करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा आग पानी धूल मिट्टी, धूल मिट्टी से कैसे बचेंगे, रेगुलर क्लीनिंग करेंगे, काम वाली भाई को हायर करेंगे, वैक्यूम क्लीनर, एसी का इस्तेमाल करेंगे, आग पानी धूल मिट्टी, बिजली, पावर से कैसे बचेंगे, टेक बिजली फ्रॉम टू सब स्टेशन, पावर जनरेटर, इन्वर्टर लगाएंगे, स्टेबिलाईजर लगाएंगे, है ना, सर्किट ब्रेकर लगाएंगे,
आग पानी धूल मिट्टी बिजली भूकंप भूकंप से बचने के लिए कुछ नहीं, यह है एनवायरमेंटल। तो यहां पे आपने क्या देखा एनवायरमेंटल के, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था यार, आग पानी धूल मिट्टी बिजली भूकंप, अरे बोलो आग पानी धूल मिट्टी बिजली सुनामी, हाई वॉल्स लिख रहे हो काम वाली भाई, अच्छा बेटा बहुत ही अच्छा है। कोविड 19 कौन सा रिस्क है अभी बताओ, ये चाइनीज वाले लोग बताएंगे भाई इन्होंने बनाए कि नेचुरली हो गए, आपको क्या लगता है, आप डिसाइड करो चाइना वाले ने बनाया हुआ तो नेचुरल एनवायरमेंटल रिस्क नहीं है। ओके बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे फिजिकल और लॉजिकल। कोई भी ऐसा कंट्रोल जिसको जो फिजिकली किसी को आने से रोक दे उसको बोलते फिजिकल। आपके किसी का शरीर किसी का ह्यूमन बॉडी आने के लिए रोका जाता है उसको बोलते फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल में दैट पर्सन इज नॉट कमिंग फिजिकली, इज कमिंग लॉजिकल, स्टिल यू आर ट्राइंग टू स्टॉप हिम बिकॉज़ वो हैक करने वाला, उसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। यूएसए में बैठे बैठे कोई इंडिया के आईसीआईसी बैंक को हैक कर रहा है और आप बोलते हैं मैंने 3 सिक्योरिटी गार्ड लगा करके एक ही 14 से, अरे ढोकलो वो आ रहा नहीं यहाँ पे, उधर से बैठ के आपको हैक कर रहे हैं, आप बोल रहे फिजिकल, आप बोलेंगे बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी, अरे ढोकले वो आ रहा नहीं इधर, वो उधर से बैठ के इंटरनेट से आपकी बजा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, दिस टाइम योर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल विल बी यूज्ड। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल तब इसका जब छोटे लोग कभी घर में आने का या कंप्यूटर रूम में घुसने की कुछ कर रहे दैट टाइम फिजिकल। एटीएम में क्या होता है बताओ, आपके फिजिकल एक्सेस कंट्रोल चेक किए जाते हैं वहां पे, और साथ साथ में किसी ने हैक नहीं करना चाहिए इसलिए वहां पे लॉजिकल भी होते हैं, समझे? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल, फिजिकल, किसी को फिजिकली आने से आपने दरवाजा लगा दिया क्या है फिजिकल, फेंसिंग लगा दिया क्या है सीसीटीवी लगा दिया क्या है फिजिकल, किसी के फिजिकल बॉडी को आने को रोक दे फिजिकल, किसी को दूर से बैठे बैठे भी उसको कुछ नहीं करते, वो घर पे बैठे, देखो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को तोड़ना इतना दम वाला बात नहीं, आई मीन कहां पे करेज ज्यादा चाहिए, किसी के घर में आके घुस के चुराना ताकत दम डेरिंग चाहिए। इसलिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल करने वाले तोड़ने वाले लोग हमेशा अपने एम्प्लॉयज होते हैं, पर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल तोड़ने वाले लोग के अंदर बहुत दम होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कम हियर फिजिकली, ही कुड बी एनी, ही कुड बी एम्प्लॉई, ही कुड बी कॉम्पिटिटर, ही कुड बी एनी यू नो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, ही कुड बी आवर ऑडिटर, ही कुड बी सिक्योरिटी पर्सनल, वो कोई भी हो सकता। इसलिए यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को तोड़ने वाले लोग कौन हो सकते हैं, तो वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना, पर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल को तोड़ने वाले लोग बोलो ना क्या होते हैं, अरे बोलो क्या होते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज होते हैं। अब सबसे पहले एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछेंगे भाई फिजिकल एक्सेस कंट्रोल जो है वो कौन से, लॉक लॉग पिम अदर्स, लॉक लॉग पिम कमान, लॉक लॉग पिम अदर्स, लॉक लॉग पिम कमान, लॉक लॉग पिम अदर्स, लॉक लॉग पिम कमान, लॉक लॉग पिम अदर्स, लॉक लॉग पिम, लॉक लॉग पिम अदर्स, लॉक लॉग पिम कमान, वो कह रहा है आपका तो आपका जवाब नहीं आ रहा, कमान गाइस, लॉक लॉग पिम अदर्स, लॉक लॉग पिम कमान, लॉक लॉग पिम अदर्स। लॉक तीन टाइप के होते हैं, कौन सा, एक बोल्टिंग लॉक जो अपने घर के ताला लगाते हैं, बायोमेट्रिक लॉक यानी कि ये रेटिना थंब पाम से खुलते हैं, एक होता है साइफर लॉक, उसके मतलब उसके ऊपर नंबरिंग सिस्टम होता है, वो नंबर डालो तो खुलता है, आजकल आते हैं होटल्स में ये सारे लॉक, लॉक में थोड़ा एलओजी लो लॉक, मैनुअल लॉक जो सोसाइटी के बाहर बैठते हैं किसको जाना है कहां पे मिलना है कौन से घर में जाना है, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लॉक, किसको डिटेक्ट करता है अगर हमने थंब लगा दिया, और थंब अगर हमारा अनमैच होगा व्हेनेवर द लॉगिन there's an unsuccessful attempt of login, biometric device पे कोई unsuccessful login हुआ, it will be recorded in what, electronic log, समझा? Okay. तो log के तीन type है, log के दो, log के log pin, pin के तीन type है, pin, pin मतलब वही आप जो ATM में pin डाल रहे, pin के तीन बच्चे, एक pin है, एक plastic card जो college में आपको दिया था कि आपका card दिख के आपको अंदर छोड़ दे, और एक एक वो आइडेंटिटी बैजेस, यानी कि आपके पास में अगर मान लो कलर्ड के अलग, जैसे आईपीएल मैचेस को देखते हैं आप जाते थे ग्राउंड पे, इतने पैसे दिए तो ये कलर का बैंड मिलता है, उतने पैसे दिए तो वो कलर का बैंड, ऐसे कोई कॉन्सर्ट में भी जाते हैं तो वहां पे आइडेंटिफिकेशन बैजेस दिए जाते ताकि कोई गलत उसमें गलत जगह पे ना बैठ जाए। ओके वेरी गुड, तो बताएंगे दोस्तों कौन से टाइप के, लॉक लॉग पिम अदर्स, लॉक लॉग पिम, लॉक के तीन बच्चे बोलेंगे, एक तो साइफर लॉक जो उसको नंबरिंग लॉक होते हैं, बोल्टिंग लॉक तो घर पे मिलते हैं आपके दरवाजे पे, और इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो है अभी बायोमेट्रिक लॉक, सॉरी बायोमेट्रिक लॉक कौन सा था, ये थंब पाम रेट, लॉक में दो बच्चे कौन से थे, एक तो मैनुअल लॉक जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह चेक करता है, और इलेक्ट्रॉनिक लॉक कौन सा है जो
इलेक्ट्रॉनिक लॉग होता है जो अनसक्सेसफुल ऑटम को रिकॉर्ड करता है. लॉग लॉग पिम 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 तो हो गया ना. पिम के तीन बच्चे. पिन एक तो एटीएम का पिन प्लास्टिक कार्ड से यानी कॉलेज में होता है. और आइडेंटिफिकेशन बैजेस यानी कलरफुल वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को अलग कलर मिलेंगे. और आखिरी में तो आदर्श मिलेगा. देखो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी फिजिकल सिक्योर होता है. सीसीटीवी है. डेड मैन डोर दो दरवाजे होंगे याद है क्या. फेंसिंग है. फिर आप कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं. फिर आउट ऑफ ऑफिस आज के दौरान कोई बाहर जाता है उसको रोक सकते हैं. आप उनके बॉन्डेड बॉन्ड बना सकते हैं पर्सनों के साथ में. या फिर आप उसको सेंसिटिव फाइल्स को ओपन नहीं रखना. वहां पे अलार्म लगा सकते हैं. ये सब आदर्श में आता है. तो ये सब आदर्श में तो बोलेंगे लॉक लॉक पिम आदर्श. लॉक लॉक पिम कमा. एक बार देख लो आप आदर्श में क्या क्या है. शायद सबको समझ गया. बहुत इजी क्वेश्चन था. ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. कमान गाइस कमान कमान एवरीबॉडी वेलकम बैक. ओके गाइस कमान नाउ. लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है. लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आने को किसी को लॉजिकली आने से अगर नहीं रोका आपने. जैसे एग्जांपल इंक्रिप्शन नहीं लगाया पासवर्ड नहीं लगाया हा? तो क्या होगा. क्या आपके साथ में दो चीजें होंगी. उसको बोलते एक्सपोजर्स ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल इफ इट इज नॉट इंप्लीमेंटेड. लॉजिकल एक्सेस को नहीं लगाएंगे तो दो एक्सपोजर होंगे. एक असिंक्रोनस अटैक. एक टेक्निकल एक्सपोजर. टेक्निकल एक्सपोजर वामने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड करके डेटा के ऊपर बॉम्ब फेंक के और दरवाजे को वामने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड करके डेटा के ऊपर बॉम्ब फेंक के और दरवाजे को बोलेंगे. वम क्या बोलेंगे. वम मतलब क्या. अब देखो अगर आपने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा तो इट विल यू मे हैव अ थ्रेट ऑफ वर्म्स. वम मतलब जो अपने आप को कॉपी कर लेता है. वो इतना इट विल इंक्रीज इन व्हाट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एक से दो, दो से चार, चार से आठ. इतना बढ़ेगा सा इतना बढ़ेगा. एक समय कंप्यूटर में डेटा का वर्म ज्यादा. वर्म ने घोड़े पे बैठ के ट्रोजन हॉर्स मतलब क्या. जो कंप्यूटर में छुपके बैठ जाता है आपका पूरा डेटा चुरा लेता है. आपके पासवर्ड को चुरा लेगा. वर्म ने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड डाउन यानी कि आपके जैसे बैंक में फ्रॉड होता है जितने भी फ्रैक्शन थे ना उस एम्प्लॉय ने अपने नाम पे कर लेता. यानी कि दिन भर में जितने फ्रैक्शन थे अकाउंट में थे वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते थे. हमने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड करके डेटा डिडलिंग यानी डेटा को प्रोसेस करते समय प्रोसेस करने से पहले प्रोसेस करने के बाद किसी ने डेटा को चेंज कर दिया हो इसका नाम हो जाता है डेटा डिडलिंग. बराबर है. हमने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड करके डेटा के ऊपर बॉम 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 दुनिया में दौड़े बॉम्ब. टाइम बॉम्ब लॉजिकल बॉम्ब. एनी बॉम्ब विच ट्रिगर्स ऑन टाइम टाइम बॉम्ब. एनी बॉम्ब विच विल ट्रिगर आफ्टर सैटिस्फाइंग स्पेसिफाइड कंडीशन कॉल्ड अ ट्रिगर लॉजिक बॉम्ब. दरवाजे को सलामी. दरवाजा ट्रैप डोर. ट्रैप डोर यानी कि एक्चुअली मेंटेनेंस दरवाजा होता है. और यहां पे हैकर्स लोग क्या करते हैं जनरली फ्रंट एंड से घुसने के बदले वो ट्रैप डोर से घुसते हैं अंदर. और वो ऐसा दरवाजा जो जनरली मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं. और एक्चुअली जब वो मेंटेनेंस करने वाला दरवाजा प्रोग्रामर ने लॉक नहीं किया तो लोग उसको ही निशाना बना के अंदर घुस जाते. उसको बोलते हैं ट्रैप डोर. खत्म. ओके स्पूफिंग. हाँ गुमराह करना. द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड हु इज द रियल सेंटर. मैंने कॉल किया आपको पर आपको मेरा नंबर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा किसी और का नंबर दिख रहा है. मैं आपको गुमराह कर रहा हूं. उसको बोलते हैं स्पूफ करना. स्पूफ समझ गए. ओके आगे चले बोलेंगे. कम ऑन एवरीवन नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट असिंक्रोनस. पिगी ने डेटा को वायर से लपेट दिया जिसकी चार्ज मर गई. पिगी ने पिगी बैकिंग यानी कि ऑथराइज पर्सन इज कैरिंग अनऑथराइज पर्सन अननोइंगली. अब मैंने पासवर्ड एंटर किया. अब मैं तो अंदर जा रहा था पर इधर से मेरे जिसने मुझे हैक कर लिया अब वो भी अंदर आ रहा है. यानी कि मैं लॉगिन हो रहा हूं वो भी लॉगिन हो रहा है. इसको तो पिगी बैक. व्हेनेवर ऑथराइज्ड पर्सन इज कैरिंग अनऑथराइज्ड कॉल द पिगी बैक. पिगी ने डेटा डेटा के साथ में डेटा लीकेज कर देना. और डेटा को वायर से वायर मतलब क्या वायर टैपिंग यानी किसी लिस्निंग टू समन्स वॉइस अनऑथराइज्ड. इट्स कॉल्ड एज व्हाट जो राजी मूवी में देखते हैं हम लोग वायर टैपिंग. सबवर्सिव अटैक मतलब किसी ने जानबूझ के आपके नेटवर्क को डिलीबरेटली अटैक किया है. जानबूझ के अटैक करना उसको बोलते हैं सबवर्सिव अटैक. आपको पता है एक सवाल पर पूछो टेक्निकल एक्सपोजर में और असिंक्रोनस अटैक में फर्क क्या है. टेक्निकल एक्सपोजर होता कहां है वैसे. टेक्निकल एक्सपोजर कंप्यूटर पे और सॉफ्टवेयर पे होता है. और असिंक्रोनस अटैक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे नहीं वो नेटवर्क टेलीकॉम पे होता है. रास्ते में लूट लेना नेट असिंक्रोनस. घर बैठे बैठे लूटना टेक्निकल. याद रखिए टेक्निकल में वर्म ने घोड़े पे वो याद रखना. और असिंक्रोनस में पिगी ने डेटा को वायर से लपेट दिया सास में. पिगी मतलब पिगी बैकिंग. डेटा मतलब डेटा लीकेज. वायर से वायर ट्रैपिंग एंड
ओहो सबर जी बेटा, ओके गाइस वेलकम बैक एवरीवन। चलो आगे बढ़ने का समय आ गया। सम ऑफ दी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, दो तीन मैं बताऊंगा, दो तीन आप करना, बिकॉज मेरे को बहुत ही चैप्टर का साइज बड़ा है। देखो क्या है इसमें, सबसे पहली बात करते हैं कि कुछ चीजें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के छह बच्चे हैं कि लॉजिक, जैसे नहीं क्या फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के चार बच्चे हैं, लॉक लॉग पिम, ऐसे इसके छह बच्चे, एक बच्चा है यूजर। तो यूजर की जिम्मेदारी, उसने ही शुड नेवर लीव हिज कंप्यूटर अनअटेंडेड, उसने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यूज करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी। देखो दो बातें हो गई, ही शुड ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड ही शुड नेवर लीव हिज कंप्यूटर अनअटेंडेड, वो दो पॉइंट यहां पे यूजर के लिखे। अब बात करें, एक बात है, अब ये तो यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर जो ऑर्गेनाइजेशन में यूजर काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि जब भी वो किसको पासवर्ड देंगे उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पासवर्ड ऐसे मत दो, हर पासवर्ड को प्रिविलेज देना चाहिए कि वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। साथ साथ में उसने जो 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 एक्सेस किया उसका बार बार रिव्यू होना चाहिए, ऐसा तो नहीं उसको दिया था कुछ अलग एक्सेस और करता कुछ अलग से। और लास्ट में क्या लिखा है, यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट, मतलब क्या भाई, मतलब क्या, पासवर्ड मैनेजमेंट होना जरूरी है। इसका मतलब क्या, पासवर्ड मैनेजमेंट का मतलब यह हुआ कि अगर कोई इंसान का पासवर्ड खो गया तो उसको पासवर्ड देना चाहिए, कोई पासवर्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गया तो उसका पासवर्ड डिलीट करना चाहिए। यह सारी चीजें यूजर एक्सेस मैनेजमेंट में होना चाहिए। रेगुलर बैच में हमने इस चैप्टर को अराउंड 10 से 12 दिन लगाए थे। रेगुलर बैच में हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में पढ़ा जाता है। 55-60 दिनों में ईएस खत्म करते, 30 दिनों में एसएम खत्म करते, और जो भी पढ़ते हैं पूरा प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। और जिन लोगों ने मेरे पास बैच की, जो अभी बैठे हैं, उनके सभी के कॉन्फिडेंस में समझ रहा हूं इसके बाद में बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे, बिकॉज वो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल थी, सिर्फ उसको अभी रिवाइज करना है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लास में हमने इतने बार रिवाइज किया, क्योंकि क्लास में हमने सिर्फ पढ़ा ही नहीं था, इतने बार रिवाइज किया था, इतने बार रिवाइज कम से कम 5-6 बार तो रिवाइज आराम से हुआ ही हुआ। और इनफैक्ट 2 हमने टेस्ट भी क्लास में कंडक्ट करवाई थी। तो ये सारी चीजें, ये जो मेहनत है, अब शायद से आखिरी महीने में समझते हैं, अच्छा हाँ यार, अच्छा हमने क्लास में इतनी मेहनत ली थी, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मजा आता है जब मैं देख रहा हूं आप लोग इतने आराम से उसका जवाब दे रहे हैं। तो रातचीक पढ़ते क्लास में, बिल्कुल सही है, पीछे वाले की आवाज आ रही है, यस यस, मेरे सामने एक बंदा बैठा है, ट्रू, यस सर, मजा आता है लाइव क्लास में। पर मेरी तो आई एम मिसिंग माई लाइव क्लास, बहुत दिन से लाइव क्लास ही नहीं हुई। ऑसम क्लासेस ऑफ सीए जर्नी, एकदम धांसू, ओके थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यूजर के, थैंक यू सो मच मुस्कान, थैंक यू सो मच इशिका, थैंक यू सो मच, मजा आता है ना बहुत। जय पटेल, बहुत मजा आता है, लाइव क्लासेस द बेस्ट, सुपर, यस सर, यू आर जस्ट ऑसम, थैंक यू सो मच यार, इतना आप जब लिखते तो और भी अच्छा था। कम ऑन बेबी, ओके आपका कम ऑन बेबी फेवरेट है, ओके थैंक यू सो मच दिव्या, आप इतना समझ रही हो, नेक्स्ट लेवल। सामने बंदे को बैठाएगा, क्यों बैठाया, सामने जो बंदा है वो मेरा नेबर है, वो भी पढ़ता है। सर आप कहाँ से लाते हो इतनी एनर्जी, बस आप लोग का प्यार है और क्या, अगर मैं एनर्जी में रुक जाऊंगा तो फिर आप तो सो जाओगे। ये भी है, कमाल है, ये द बेस्ट, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच, फुल एंजॉय, लव फ्रॉम झांसी एसपीसी रॉक्स, बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स, एकदम सो हैप्पी अबाउट इट। चलो कतई जहर लेक्चर होते हैं, आप क्या कमेंट लिखते, जहर लेक्चर होते हैं। कैसा कमेंट है वे बेटा, जरा संभाल उसको, ओके ऑसम एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच यार। हावला मींस, हावले का मतलब क्या है, क्रेजी, क्रेजी बेस्ट है सर, हावला चिंटी फेवरेट है, माहौल हो गया पावर हाउस, यस बेस्ट है चिंटी, थैंक यू सो मच यार, इतना कमेंट्स आप दे रहे, थैंक यू सो मच, ओके ओके चलो थैंक यू। सामने जो बंदा है वो इंटर में क्या, तो हौला है क्या, तो वो इंटर में रहेगा इसलिए बैठा है ना, तो क्या फाइनल का बच्चा आगे बैठा है। कुछ भी बोल दे, लव यू गाइस, लव यू, चल पढ़ते पढ़ते ज्यादा टाइम बस नहीं। तो यूजर के, अरे वो क्रिसमस कार्ड इज नथिंग बट वो वर्म्स होता है, क्रिसमस कार्ड और वर्म का एक्सप्लेनेशन एक ही है। यूजर की बात, यूजर के देखो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में यूजर की जिम्मेदारी, उसने पासवर्ड लगाना चाहिए स्ट्रॉन्ग,
और उसने कंप्यूटर को कभी भी अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उसका कंप्यूटर अदरवाइज वो टॉयलेट हो गया, वॉशरूम में गया, किधर गया, उसका कंप्यूटर में कोई भी मिसयूज कर लेगा। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कंपनी के एम्प्लॉइज को कैसा मैनेज करना चाहिए, उन्होंने क्या करना चाहिए, जिसको पासवर्ड दिया उसका एक पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। साथ साथ में दूसरी बात, पासवर्ड देखते समय उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते समय उसको वही चीजों का एक्सेस है जो उसके लिए जरूरी है। और साथ साथ में यहां पे लिखा है कि जितने लोगों को हमने प्रिविलेज जो जो एक्सेस दिए, बाद में चेक करो कि वो उतना ही एक्सेस कर रहे हैं कहीं कुछ अलग कर रहे हैं। और लास्ट में लिखा पासवर्ड का मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका मतलब ये हुआ है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे तो उसका पासवर्ड डिलीट कर देना चाहिए, जिसको पासवर्ड भूल गया उसको नया देना चाहिए। पासवर्ड का मैनेजमेंट भी जरूरी है। अब एक चीज देखते हैं, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। नेटवर्क एक्सेस देखो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लैन है, वैन है, इंटरनेट यूज करते हैं हम लोग, तो उसका नेटवर्क कैसे, उसका भी कंट्रोल, कहीं ऐसा नहीं उसके ऊपर कोई मिसयूज कर ले। तो उसमें क्या लिखा है, एक इंक्रिप्शन लिखा है। इंक्रिप्शन मतलब जो आजकल व्हाट्सएप है, इट इज कन्वर्टिंग द नॉर्मल डेटा इनटू द कोडेड फॉर्म, ताकि इसका एक्सेस वही कोई भी ना कर पाए। अगर कोई इसको गलती से देखे तो उनको कोर दिखे सिर्फ। फायरवॉल, फायरवॉल इज अ वॉल बिटवीन द प्राइवेट नेटवर्क एंड द पब्लिक नेटवर्क, ताकि वही लोग ऑर्गेनाइजेशन में आए जो वैलिड और जो ऑथराइज्ड है। तीसरी बात, सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस, वो तो होना ही चाहिए। उसके अंदर कॉल बैक डिवाइस, आपको सुना है कभी कॉल बैक डिवाइसेस, यानी कि बैंक में जब भी हम लोग अगर बहुत सारा पेमेंट करते हैं एनईएफटी से, तो बैंक वाले हमें फोन लाके पूछते भाई साहब तुम ही कर रहे हो, कोई और तो नहीं कर रहा है। उसके बाद बोलते हैं एनफोर्स सेग्रीगेशन, तीनों का एक ही मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। एनफोर्स और सेग्रीगेशन में क्या बोलते हैं, और ये नेटवर्क कनेक्शन रूटिंग, ये तीनों का कॉमन मतलब बताता हूं। वो क्या बोलते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक सुरक्षित असुरक्षित ऐसे टाइप के नेटवर्क की पाथ होना चाहिए, यानी कि जो वीपीएन वाली पाथ है, जो नॉन वीपीएन, वीपीएन वाला तो बहुत सुरक्षित है, नॉन वीपीएन वाला तो नॉर्मल है, ऐसी पाथ होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट डेटा उनको एनफोर्स करना चाहिए कि वो वीपीएन के माध्यम से ही जाए। और जो अगर मान लो कोई सॉन्ग है, कोई शायरी आप भेज रहे हो इधर उधर, वो ऐसी किधर से भी, तो क्या फर्क पड़ता है। इससे बोलते हैं नेटवर्क को सेग्रीगेट करो और पाथ को एनफोर्स करो, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसी रास्ते से जाना चाहिए जो बहुत ही सिक्योर्ड रास्ता है। वो बोलते हैं रूट कराना चाहिए। रूट क्या बोलते हैं, और जब भी अगर मान लो नेटवर्क में बहुत ही वहां पे अगर ट्रैफिक जाम हो रहा है या डेटा बस तोड़ते हैं, वहां पे प्रॉपर रूटिंग होना चाहिए। अगर यहां से रास्ता जाम हो रहा है, यहां पे बहुत डेटा ट्रैफिक हो गया, तो उसको दूसरे रास्ते से भेजना चाहिए। और बोलते हैं नेटवर्क का यूज करने का प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए कि कौन यूज कर सकता है, पासवर्ड कितने, वाईफाई कौन यूज कर सकता है, वाईफाई किसको यूज करने नहीं देना चाहिए, वाईफाई का पासवर्ड कब का बदलना चाहिए, इन सारी चीजों का वहां पर डेटा लिखा होना चाहिए। बताइए नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से पॉइंट है, एक पॉलिसी होना चाहिए, वहां पे इंक्रिप्शन होना चाहिए, कॉल बैक होना चाहिए, फायरवॉल होना चाहिए, पाथ अलग अलग होना चाहिए, एनफोर्समेंट ऑफ पाथ होना चाहिए, ये सब लिखा है। ओके okay? उसके बाद में जरा एक लास्ट वाला पॉइंट देखना, यहां पे मोबाइल कंप्यूटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। आजकल बहुत सारा काम लैपटॉप और मोबाइल फोन पे होता है, तो आपको लगता है नहीं कभी कभी इट इज वेरी इजी टू स्टील, यानी इट कैन बी स्टोलन वेरी इजीली, कोई भी लैपटॉप और मोबाइल ऐसा उठा के लेके भाग सकता है, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके ऑर्गेनाइजेशन से। आपको लगता नहीं ऐसे समय पे अगर मान लो ये आईफोन है, अगर कोई इसको लेकर भाग भी जाए ना, आई एम नॉट वरीड, बिकॉज इसको खोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसका मतलब क्या है, इसको मैंने ऐसा बहुत पकड़ा मतलब तो फिजिकल सिक्योरिटी, पर उसने छीन लिया तो मेरा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल टूट गया, पर फिर भी वो मेरा मोबाइल नहीं देख पाएगा अगर उसके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसलिए बोलते हैं मोबाइल के ऊपर खास तरीके से फिजिकल कंट्रोल तो होना ही चाहिए, पर लॉजिकल भी होना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल कंट्रोल की वजह से एटलीस्ट आपका मोबाइल अगर भले ही चुरा है पर डेटा वो नहीं देख पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपका काम है कि आप ये दो चीजें एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग खुद करेंगे, बिकॉज बहुत सारा अभी बाकी है, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेस ऑफ, क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्टिव देख लिया, ऑन द बेस ऑफ आईएसआर, आईएसआर के तीन बच्चे कौन से, लॉजिकल देखा, फिजिकल देखा, एनवायरमेंटल, ये सब हो गया। अब हमारा काम है हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेस ऑफ व्हाट, ऑडिट। शायद से आपको याद नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ लिया, देखो अरे यार ये कहां गया, चैप्टर में क्या पढ़ा रहा था, किधर हूं मैं, किधर हूं। देखो हम लोग ने क्या पढ़ा, ये चैप्टर को हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हाउ डू क्लासिफाई कंट्रोल, देखना कंट्रोल कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहले हमने देखा ऑब्जेक्टिव वाइज, तो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, फिर देखा आईएसआर, तो लॉजिकल, फिजिकल, एनवायरमेंटल, और अब देखते लास्ट में ऑडिट के बेसिस पे कैसे। तो ऑडिट के दो बच्चे, एक मैनेजरियल और एक कौन सा है, एप्लीकेशन, ये दो बच्चे यहां पे हो रहे हैं। ओके लेट्स स्टार्ट गाइस, कम ऑन, वेलकम बैक। मैं आपको कह रहा हूं ना दोस्तों, ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों का दम ही नहीं है चैप्टर को कंप्लीट कर, इतना लंबा चौड़ा है, पर अभी जो उसका समरी में करके दे रहे हैं ना आपको, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। ये चैप्टर बहुत हौला चैप्टर है, इसको जरा मॉड्यूल में खोलो आपका दम निकल जाएगा। 88 पेजेस का चैप्टर है, मॉड्यूल तो खोलो आप एक बार, आपको समझेगा इसके औकात क्या है। मेरे साथ में पढ़ो आप इज्जत से, वही उसमें आपकी भलाई है। हाउ डू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल एंड एप्लीकेशन। मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी, उन्होंने कौन से कंट्रोल लगाना चाहिए
कौन से लगाना चाहिए कंट्रोल्स के लिए? नंबर वन उन्होंने बोला है टॉप मैनेजमेंट, तो इसके साथ बच्चे एक पहला बच्चा टॉप मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट हियर? टॉप मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए? प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, लीड करेंगे, कंट्रोल करेंगे भाई, हवन करेंगे भाई, हवन करेंगे। अरे प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, लीड करेंगे। ओके, प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। हाँ बोलो बोलो, कम ऑन, कि उन्होंने उन्होंने इसकी पूरे इसका प्लान करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल कैसे बिठाना है। जैसे नारायण मूर्ति की बात करोगे, ही शुड मेक अ प्लान ऑफ इंफोसिस के कंप्यूटर के सिक्योरिटी, इसने प्लान बनाना चाहिए। वो जैसा प्लान कर रहा है, जैसे उन्होंने प्लान किया उसको, जैसे उन्होंने सोचा कि चलो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फायर एस्टिमेशन लगा देंगे, तो पॉइंट नंबर टू में क्या करेंगे, वो सारे फायर एस्टिमेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। पॉइंट नंबर थ्री में वो सबको मोटिवेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि लगाओ लगाओ, उसको बोलते लीड करना, लगाओ लगाओ फायर एस्टिमेशन लगाओ। और चार में चेक करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलेंगे प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, लीड करेंगे, अरे भाई हवन करेंगे, भाई हवन करेंगे। ओके चलो आगे, क्वालिटी। मान लीजिए इंफोसिस ने सॉफ्टवेयर बनाया आईसीएसआई बैंक के लिए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंफोसिस टू प्रोवाइड क्वालिटी सॉफ्टवेयर टू आईसीएसआई। दे शुड नॉट डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू आईसीएसआई अनलेस दे आर वेरी श्योर अबाउट इट, बिकॉज आईसीएसआई के बहुत सारे कस्टमर उस सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। अगर गलती से कुछ हो गया ना तो आईसीएसआई कर देगा सू। क्या करेगा? सू। किसके ऊपर सू करेगा? इसलिए जब व्हेनेवर द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड टू इंफोसिस, इंफोसिस शुड नॉट डिलीवर द सॉफ्टवेयर अनलेस इट अंटिल द क्वालिटी इज चेक्ड। पूरे पैरामीटर, उसकी सिक्योरिटी, उसके स्टैंडर्ड, सब कुछ चेक करना चाहिए, अदरवाइज इट शुड नॉट बी डिलीवर्ड। हाँ आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सिक्योरिटी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी? आंख पानी धूल मिट्टी बिजली भूकंप सुनामी अनऑथराइज एक्सेस हैकिंग पावर फेलियर, ऐसे टाइप के जितने भी सिक्योरिटी है थ्रेट्स है, हमने उसका लिस्ट डाउन करना चाहिए। और जो 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 हमारे रिस्क थ्रेट नजर आते हैं उसकी कंट्रोल लगाना चाहिए, ये है सिक्योरिटी। देखो हमें किसका डर है? आग से, पानी से, धूल मिट्टी से, बिजली से, भूकंप से, अनदर एक्सेस से, वायरस से, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर से। जिन जिन से डर है उसका लिस्ट बनाओ और उसका कंट्रोल लगाओ, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। और जो फिर भी अगर हमसे कंट्रोल नहीं हो पाए तो इंश्योरेंस भी लेके रख दो और एक डिजास्टर रिकवरी प्लान भी बना दो, ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट में लिखा हुआ है कि भाई यू लिस्ट ऑल द थ्रेट्स एंड यू इंप्लीमेंट ऑल द कंट्रोल्स। अगर नहीं हुए तो फिर क्या होना आपके, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो डिजास्टर रिकवरी प्लान कर लो या फिर इंश्योरेंस लेकर रख दो। आगे, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं डेटा रिसोर्स, तो आपका जवाब क्या होगा? टेक एन एग्जांपल ऑफ एसबीआई, एलआईसी, आईसीएआई। आपको लगता नहीं दे आर स्टोरिंग वेरी हाईली सेंसिटिव डेटा इन देयर डेटाबेस? व्हाट विल हैपन इफ समबडी ट्राई टू मिसयूज टैम्पर देयर डेटा? दोस्तों एलआईसी के पास में इतना पैसा है, पूरे इंडिया में किसके पास नहीं होगा? सारा पैसा कहां है? किसने कितना पैसा उनको दिया है? किसने कौन सी पॉलिसी निकाली? किसका कितना कॉम्पोजिशन? कहां है सब डेटा? ये उनके डेटाबेस के अंदर है। डोंट यू थिंक उन्होंने अपने डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी चेक करना चाहिए और उसकी सुरक्षा मेंटेन करना चाहिए? उसको बोलते हैं डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। अगर वो नहीं करेंगे ना तो लोग मार डालेंगे, बोलेंगे भाई डेटा चलेगा, मुझे पता नहीं। ए भाई कैसे पता नहीं? बैंक, हमारा कितना पैसा बैंक में और बैंक का कितना पैसा हमारे ऊपर कहां होता है किसको पता नहीं, तो वो सब डेटाबेस में। इसलिए उन्होंने डेटा की रिसोर्स की क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। आगे बढ़ना होगा, प्रोग्रामिंग की बात करते हैं भाई और बहनों। कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है ना, सॉफ्टवेयर, तो उसकी प्रोग्रामिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाते समय, जैसे मान लो कोई भी बैंक का सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो उन्होंने कैसे डिजाइन बनाना चाहिए? जैसे देखो, उन्होंने यूजर की रिक्वायरमेंट जानना चाहिए। पहली बात देखो यहां लिखा है, उन्होंने यूजर की रिक्वायरमेंट बना, मतलब प्लानिंग, पहले तो प्लानिंग करना चाहिए, यूजर की रिक्वायरमेंट जानना चाहिए, यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने सॉफ्टवेयर की डिजाइन बनाना चाहिए, यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने कोडिंग करना चाहिए, फिर बाद में यूजर की जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसा ही कोड बना के नहीं बना, वैसे टेस्टिंग करना चाहिए, और बाद में एक बार इंप्लीमेंट हुआ तो सॉफ्टवेयर को बार बार मेंटेन करना चाहिए। ये सब चीज़ जरूर, और ये सब करते समय अपने प्रॉपर सिक्योरिटी लगाना चाहिए, ये उनका बोलना है।
प्रोग्राम डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब लगाते हैं तो उसकी डिजाइनिंग अच्छी होना चाहिए यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कोडिंग वैसी होना चाहिए यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके टेस्टिंग में चेक करना चाहिए यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, बाद में उसका मेंटेनेंस वगैरह भी होना चाहिए, साथ साथ इन सब चीजों का प्लानिंग होना जरूरी है। और एक करते समय सॉफ्टवेयर के ऊपर बराबर से सिक्योरिटी लगना चाहिए, कंट्रोल्स लगना चाहिए, उसको बोलते हैं कंट्रोल्स। उसके बाद में एक प्रश्न आपसे है, सिस्टम डेवलपमेंट। सर ये सिस्टम डेवलपमेंट और प्रोग्राम में फर्क है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल नेटवर्क इज इक्वल टू सिस्टम, पर प्रोग्राम इज जस्ट ओनली सॉफ्टवेयर। इसलिए प्रोग्रामिंग इज व्हाट वेरी नैरो कॉन्सेप्ट, सिस्टम इज वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेबी, सिस्टम इज वेरी बिग। सिस्टम इन कंसिस्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल नेटवर्क, तो सॉफ्टवेयर का एक वन ऑफ द बेबी, सॉफ्टवेयर मतलब ही प्रोग्राम। और प्रोग्राम यहां पे जो पॉइंट नंबर 3 है ना, ये बहुत माइक्रो सोच रहा है, सिस्टम इज व्हाट मैक्रो लेवल। ये बोल रहा है जैसे एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक जब कोई भी एटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग का सॉफ्टवेयर लगाएगी तो उन्होंने क्या सोचना चाहिए, उन्होंने पहले यूजर की रिक्वायरमेंट जानना चाहिए और यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग करना चाहिए। साथ साथ में सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने से पहले इंफोसिस ने उसका टेस्टिंग करना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रोग्राम टेस्टिंग। और सॉफ्टवेयर को लेते समय आईसीआईसीआई बैंक ने भी टेस्ट करना चाहिए। ये जब भी पूरा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो रहा होगा या लगाया जा रहा होगा, ऑडिटर्स का लेवल, ऑडिटर का इन्वॉल्वमेंट हर फेजेस पे होना जरूरी है। ऑडिटर शुड बी इन्वॉल्व्ड एट एवरी फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। जब तक ऑडिटर हा ना बोले अगले, जब तक ऑडिटर डिजाइन को हा ना बोले कोडिंग चालू नहीं होना चाहिए, कोडिंग को ऑडिटर हा ना बोले टेस्टिंग नहीं चालू होना चाहिए। टेस्टिंग खत्म होने के बाद में जब तक ऑडिटर हा ना बोले वो इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट यहां पर लिखा है ऑथराइजेशन। चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर आप सिलेक्ट करो, चाहे एटीएम सिलेक्ट करें होंगे, ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, वही ऑप्शन सिलेक्ट करो जो सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई के लिए फिजिबल है। कोई भी ऑप्शन उठा के मत लगाओ, वही ऑप्शन चूज करो जो सबसे किफायती है, फिजिबल है, इकोनॉमिकल है, हर एंगल से अच्छा है, वो चीज को सेलेक्ट करना जरूरी। ये इसको सिस्टम डेवलपमेंट बोलते हैं। चलो सिस्टम डेवलपमेंट को एक बार रिवाइज करें, बोलो बच्चों कौन से। अरे बोलो यार, रुके ना तू, थके ना तू। अरे मैं बोल रहा हूं, आपको क्या हो रहा है? अरे कमान गाइस, अभी तो एसएम बाकी है। हाँ कमान एवरीबॉडी, बोलो बच्चों। हाँ सबसे पहली बात तो यूजर रिक्वायरमेंट की बात समझो, क्या यूजर रिक्वायरमेंट बोलो। यूजर रिक्वायरमेंट में ये जानना जरूरी है कि यूजर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, यूजर रिक्वायरमेंट। फिर वो डिजाइन भी वैसे बना जैसे यूजर को चाहिए, कोड क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिंग दोनों ने करना चाहिए, इंफोसिस ने भी टेस्ट करके देना चाहिए और आईसीआईसीआई ने भी टेस्ट करके लेना चाहिए, ऑडिटर ने हर फेज में इन्वॉल्व होना चाहिए। और लास्ट में लिखा है सॉफ्टवेयर जब सेलेक्ट करोगे आप तो वही सेलेक्ट करो जो सबसे ज्यादा फिजिबल होगा, ये लिखा है सिस्टम डेवलपमेंट में। और लास्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे ऑपरेशन मिसमैनेज, ऑपरेशन मैनेजमेंट लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है। कुछ बातें मैं बताऊंगा, बहुत सारी बातें। ऑपरेशन और डेवलपमेंट में फर्क क्या होंगे? डेवलपमेंट कंट्रोल तब लगता है जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, डेवलप होने के बाद में जब सॉफ्टवेयर का यूज चालू होता है ना, उस समय मेंटेनेंस, उस समय ऑपरेशन। देखो ये यहां पे है इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन के पहले जो जो करते हैं वो डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन के बाद में उसके मरते दम तक जो 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 जो, जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल। सर क्या होगा अगर इंप्लीमेंट होने के बाद में ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर विल बिकम आउटडेटेड। डोंट यू थिंक अ सॉफ्टवेयर शुड ऑलवेज रन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट? इफ द सॉफ्टवेयर इज नॉट चेंज, सॉफ्टवेयर इज नॉट अपडेटेड एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर विल बिकम आउटडेटेड। तो इस सिस्टम डेवलप अच्छा करना जरूरी, डेवलप होने के बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट भी होना जरूरी। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है कि हमने क्या करना चाहिए, सॉफ्टवेयर के चालू होने के बाद में उसका टेक्निकल सपोर्ट का एक टीम बनाना चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर पढ़ने क्लास का जो सॉफ्टवेयर उसके टेक्निकल टीम है, जैसे स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो वो वहां पे कॉल करते हैं। साथ साथ में जो भी हमारा जो एग्जांपल देंगे, हमारा जो सॉफ्टवेयर बन जाता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सॉफ्टवेयर बनाती है तो सॉफ्टवेयर में जब भी वो कुछ अपडेट करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। नहीं तो वरना कोई नया आदमी उसको उसको देखना चाहेगा चेंज करना, तो उसको समझेगा नहीं आखिर क्या हो रहा है। उसके बाद में जो काम हमसे मैनेज, जैसे हमारे पास कुछ मैनेज नहीं होता है या हमारे एम्प्लॉय नहीं कर रहा, उसको हमने आउटसोर्स कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, जैसे सॉफ्टवेयर पार्टनर क्लास का जो सॉफ्टवेयर, जैसे हमने जो अभी लिया हुआ है जिसमें हमारा एमआई स्टोर होता है, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर चलता है, पहले हमने 40 GB का कैपेसिटी लिया था, अब हमने 60 GB हमने और बढ़ा दिया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी भी उसकी और अभी वो भी कम हो जाएगा तो हम उस 20-30 GB और ले लेंगे। तो ये कब तक चलेगा? ये जब तक है जान तब तक। ये सारे स्टेप्स एक दिन के नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन हर बार अपडेट होगा, हाँ ये प्लानिंग आपको कैपेसिटी हमेशा करना पड़ेगी, जो जो काम आपसे नहीं था वो आउटसोर्स करना पड़ेंगे, ये टेक्निकल सपोर्ट आपको हमेशा जब तक सॉफ्टवेयर तब तक देना पड़ेगा। फाइल लाइब्रेरी मतलब क्या?
जो आपके वो होते ना, क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, इनको भी आपने बचाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं किसी सॉफ्टवेयर को आप बचा रहे, तो ये मीडिया जो है, ये फाइल लाइब्रेरी को भी, मतलब आपने मीडिया सॉफ्टवेयर जैसे हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव को भी आपने सुरक्षित करना चाहिए। उसके अंदर प्रोडक्शन, मान लो आपके सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्रिंटर लगता है और प्रिंटर के लिए पेपर और इंक लगता है, तो प्रिंटर के पेपर और इंक का भी सप्लाई टाइम पे होना, अदरवाइज मान लो कि कल्चर के बिग बाजार में आप गए, ओवर बिल निकलने के पेपर ही खत्म हो गया, तो क्या करेंगे, प्रिंटर ही बनाते। तो इसका मतलब क्या कि आपके सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो जो जरूरी रॉ मटेरियल वो भी आपके पास में होना जरूरी होता है। उसके बाद डेटा प्रिपरेशन एंट्री, मान लो बिग बाजार में आप गए और डेटा एंट्री करने वाले आंटी जो इतनी स्लो है, उसके से कस्टमर परेशान हो रहे, तो वो बोल रहे कि डेटा एंट्री करने वाले लोग भी फास्ट होना चाहिए और ना कि सिर्फ सॉफ्टवेयर फास्ट होना चाहिए, बस सॉफ्टवेयर का जो आने वाला जाने वाला डेटा जो है वो नेटवर्क के थ्रू है, तो नेटवर्क अगर वाईफाई होगा तो वाईफाई को अपने पासवर्ड लगाना चाहिए, अगर लैन का इस्तेमाल हो रहा होगा, वैन का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने इंक्रिप्शन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें वहां पे लिखी है। अब एक बार क्या करते हैं हम लोग, ये पूरे 7 बच्चों को देखते हैं, बिकॉज ये 7 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज करो, देखते हैं आपको कितना, कौन से कौन 7 बच्चे। एक तो डॉप मैनेजमेंट, अच्छा मैं पूछूंगा बताओ, बिफोर आईसीआईसीआई डिलीवर, बिफोर इंफोसिस डिलीवर द सॉफ्टवेयर, इंफोसिस शुड चेक द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्या बोले इसको, क्वालिटी मैनेजमेंट। आईसीएआई, एसबीआई, एलआईसी ने अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहिए, वरना लोग सू कर देंगे। डेटा रिसोर्स, आग पानी धूल मिट्टी बिजली भूकंप सुनामी से बचने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस वायरस और फायर से बचने के लिए सिक्योरिटी, उससे भी वो काम नहीं होता, हम लोग इंश्योरेंस डीआर पे ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनते समय जो कंट्रोल लगाते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट, बनने के बाद जीवन भर जो लगाते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट, समझ में आ रहा है। टॉप मैनेजमेंट कौन से सारे कंट्रोल लगाता है, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, लीड करेंगे, पहले कंट्रोल करो, उन्हें प्लान करना चाहिए, जो प्लान में लगता है उसको लाना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं उसको, जो लाया उसको लीड करना, मतलब लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, लगाओ लगाओ, और लास्ट में चेक करना चाहिए सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। और लास्ट में गाइस कम ऑन, प्रोग्रामिंग और सिस्टम में क्या फर्क है, प्रोग्रामिंग इज जस्ट वेरी माइक्रो, आप सिर्फ सॉफ्टवेयर को बचा रहे हो, सिस्टम में यू आर प्रोटेक्टिंग एंटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पूरा का प्लान कर रहे हो, ये सब सिस्टम डेवलपमेंट की बातें बताओ। 5, आपने बराबर से वही सॉलिड सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना चाहिए जो ऑथराइजेशन बोलते हैं उसको अच्छा है, यूजर की रिक्वायरमेंट समझना चाहिए, उसके हिसाब से डिजाइनिंग करना चाहिए, उसके हिसाब से टेस्टिंग इन्फोसिस ने भी करना चाहिए, आईसीएस ने करना चाहिए, और ऑडिटर हमेशा इन्वॉल्व होना चाहिए, ये लिखा है, आ रहा है समझ? ओके ओके ओके। और अगर बात करेंगे ऑपरेशन की, तो आपने फाइल यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह बचाना चाहिए, साथ साथ में आपने नेटवर्क को भी हमेशा अच्छा करना चाहिए, आपने टेक्निकल सपोर्ट हमेशा देना चाहिए, कैपेसिटी का प्लानिंग हमेशा करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अपडेट करना चाहिए, हाँ आपने वो जो डेटा एंट्री करने वाले आंटी उसकी भी स्पीड बढ़ाना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। उसके बाद में आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क भी सुरक्षित होना चाहिए, लास्ट में लिखा था यहाँ पे आपका जो काम आपसे नहीं होता वो आउटसोर्स कर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ये सब कुछ यहाँ पे देखो खत्म हो रहा है। इस तरह से हमने मैनेजमेंट कर लिया है। ओके, ओवरऑल जो आपके पास बैठा उसको रैंक ही आने वाला है। ओवरऑल थैंक यू। एसएम कब होगा बेटा, कैसा सवाल पूछते हैं आप, अभी होगा ना, इसके बाद में थक गए क्या आप, ब्रेक क्यों चाहिए भाई, हौला है क्या तू, रोजी कुमारी कहती है सर यू आर ग्रेट बिकॉज ऑफ यू कंटिन्यूसली टेकिंग क्लास फ्रॉम 1:30 एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच। अरे ठोक देंगे आज, आज पूरा खत्म करेंगे, ईएसएम खत्म करके ही सोएंगे आज, चलो आ जाओ। एप्लीकेशन कंट्रोल की बात कर, बस चैप्टर खत्म हो रहा है भाई, अरे कुछ बचा नहीं है अब इसमें, ये चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, आखिरी के 2 पेज मालूम है, ये फ्री वाले आपको मालूम है, तो फ्री वाले क्यों है मैं आपको बता दूंगा, तो मैडम आखिरी वाले 2 पेज का क्या चक्कर है, वो जिन्होंने क्लास करी है जिन्होंने पढ़ा है उसको पता होगा, आखिरी वाले 2 बच्चे बहुत ही ईजी है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आखिरी वाले 2 बच्चे फोकट के, उस करना ही नहीं, बस 2 मिनट में बताऊंगा क्या करना है। एप्लीकेशन की बात करेंगे, कोई भी देखो, एक हमने पढ़ा हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेस ऑफ ऑडिट फंक्शन, ऑडिट में 2 बच्चे एक मैनेजरियल, उसके 7 बच्चे हुए थे, वो खत्म हो गया। अब एक है एप्लीकेशन वाइज कि सॉफ्टवेयर को कैसे बचाए, तो कोई भी सॉफ्टवेयर में 6 बच्चे होते, बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटाबेस एंड नेटवर्क, ये देखो 6 बातें आपके सामने दिख रही होगी, वन सेकेंड, बाउंड्री पे, इनपुट पे, प्रोसेस पे, आउटपुट पे, डेटाबेस पे और नेटवर्क पे, कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको। एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर बचाना है तो उसमें 6 बच्चे, बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट,
आउटर स्टोर तो करना पड़ेगा और बाद में इधर उधर भेजने के लिए नेटवर्क, तो ये सारी चीजें जरूरी होती है। एक एक करके देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन आपको दे दूंगा मैं करने के लिए, पर बाकी पांच मैं करता हूं। बाउंड्री की बात करें, बाउंड्री में कितने बच्चे बोल रहे हो, वो बोल रहा है कोई भी सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए पहले बाउंड्री, बाउंड्री बोलता हूं उसको आने ही मत दो, इनपुट बोलता आने के बाद गलत मत करने दो, बाउंड्री मतलब उसको टू स्टॉप अनऑथराइज यूजर्स, कोई भी सॉफ्टवेयर पे कोई भी गलत व्यक्ति अनऑथराइज उसको आने मत दे, वो काम बाउंड्री का होता है। बाउंड्री कंट्रोल्स आर देयर टू प्रिवेंट अनऑथराइज यूजर। हो सकता है आपको चैप्टर यही भी लग रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में तीन ही बच्चे, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल नेटवर्क। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल्स, कंट्रोल्स में हमने ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव देख लिया, जिसमें हमने प्रिवेंटिव डिटेक्टिव करते देखा, ऑन द बेस ऑफ आईएसआर लॉजिकल फिजिकल वो देख लिया, एनवायरमेंटल हमने, उसके बाद में क्या देखा, ऑन द बेस ऑफ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, ऑडिट, ऑडिट में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मैनेजरल हो गया, और अब एप्लीकेशन बस खत्म, और एप्लीकेशन में छह बच्चों के नाम पर इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ये तो है, बाउंड्री भी है और कम्युनिकेशन भी है, ये सब लिखा है। अब बाउंड्री पढ़ रहे, बाउंड्री में क्या लिखा है, अगर किसको बाउंड्री सॉफ्टवेयर के अंदर घुसने नहीं देना है, देखो यहां से मैं आपको कुछ दिखाता हूं, जैसे कोई ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर का अब यहां पे ही किसको रोक देंगे, इसको बोलेंगे बाउंड्री। तो आप मान लो यहां पे पासवर्ड लगा दिए, तो ताकि अनऑथराइज्ड लोग अंदर ना जाए, यहां पे रुक जाएंगे, इसको बोलेंगे बाउंड्री। ये हो गया बाउंड्री कंट्रोल, तो पासवर्ड बन गया बाउंड्री कंट्रोल। या फिर आपने यहां पे पिन लगा दिया, तो वो बाउंड्री कंट्रोल, तो कोई भी ऐसा कंट्रोल जो अनऑथराइज्ड को अंदर आने ना दे, उसको बोलेंगे बाउंड्री। पर किसको अंदर आने दे, और अंदर आने के बाद कुछ देखो, तो स्टॉप इन एक्यूरेट एक्टिविटी ऑफ ऑथराइज्ड यूजर, इज कॉल्ड एज इनपुट कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल ऑथराइज्ड यूजर के गलतियों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। बाउंड्री कंट्रोल्स आर देयर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर्स। पर मान लो बंदा ऑथराइज्ड है, तो बाउंड्री कंट्रोल्स को नहीं रोक सकता, बोलेंगे जा जा अंदर जा। मान लो आपने एटीएम का पासवर्ड करेक्ट दिया, तो आप क्या बन गए, ऑथराइज्ड यूजर बन गए। पर आपके पास में 500 रुपए का बैलेंस है, आप निकाल रहे 600, तो आप क्या कर रहे हैं, वो सिस्टम बोलेगा सॉरी यू डू नॉट हैव सफिशियंट बैलेंस, इसको बोलेंगे इनपुट कंट्रोल। पर आपने पासवर्ड ही गलत डाल दिया, तो आपको स्टॉप कौन करेगा, बाउंड्री कंट्रोल्स। समझ गए, अब बाउंड्री कंट्रोल्स मतलब क्या, जो अनऑथराइज्ड लोगों को अंदर ना आने दे। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या, कन्वर्टिंग नॉर्मल डेटा इनटू द कोडेड फॉर्म। बताओ ये बाउंड्री कंट्रोल कैसा है, अगर कोई डेटा अगर कोडेड फॉर्म में कोई देख ही नहीं पा रहा उसको, तो बाउंड्रीज है। पासवर्ड और पिन में क्या फर्क होता है, पासवर्ड इज ऑलवेज जनरेटेड बाय द यूजर इटसेल्फ, एंड पिन इज जनरेटेड बाय द इंस्टीट्यूट, द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल मैंने नेट बैंकिंग लिया, तो मुझे जो पासवर्ड मिलता है, पिन इज ऑल्सो पासवर्ड, बट इट इज ऑलवेज जनरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। समझे बात में क्या बोल रहा हूं, और पासवर्ड क्या होता है, हम लोग जैसे फेसबुक का पासवर्ड हमने बनाया, और क्या, अब ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड क्या होता है भाई, कार्ड क्या होता है, कार्ड, अरे आइडेंटिफिकेशन कार्ड, अरे कार्ड भाई, कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो कॉलेज में आप दिखाते हो, और लास्ट में क्या, बायोमेट्रिक मतलब क्या, ये थंब, पाम, रेटिना। आजकल देखो ये अपना आईफोन किससे खोलता है, आपके फेस रिकॉग्निशन करता है, इसको भी बताइए, फेस रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक डिवाइस बाउंड्री की है, बिकॉज वो जब तक आपका फेस रिकॉग्नाइज करता नहीं, आप अंदर जा ही नहीं सकते उसके। तो बताएंगे बाउंड्री कंट्रोल के पांच बच्चे होते, पिन, पासवर्ड, क्रिप्टोग्राफी, आइडेंटिफिकेशन कार्ड एंड व्हाट, बायोमेट्रिक। ओके, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आउटपुट कंट्रोल पढ़ लेते, बहुत ईजी है। आउटपुट की बातें कौन सी, बोलो भाई बोलो। एक तो पहली बात, जब आउटपुट आ रहा है ना प्रिंटर से, तो किसने कितने बजे क्या आउटपुट लेना, उसका एक लॉग मेंटेन होना चाहिए, दैट इज व्हाट फर्स्ट पॉइंट। फिर हमारे पास जो प्री प्रिंटेड चीजें होती है ना, जैसे चेकबुक है, जैसे लेटर हेड है, उसका भी एक लॉग मेंटेन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हमारा साइंड चेक कुछ चुरा लिया, इसलिए भाई और बहनों आपके प्रिंटर का तो लॉग मेंटेन होना ही चाहिए। और एक लॉग है जो हमारे प्री प्रिंटेड, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड या हमारे ऑर्गेनाइजेशन जिस पे साइन के चेक है, उसका भी एक लॉग मेंटेन होना चाहिए, कहीं कोई चुरा ना ले। तीसरी बात, यहां पे लिखा है कि हमारा जो जो आउटपुट है उसके ऊपर कंट्रोल और प्रिंटिंग होना चाहिए, यानी कि राइट प्रिंटर शुड बी सिलेक्टेड। अगर मान लो मैं ओनर हूं और मैंने एम्प्लॉय का प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा काम का इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन विच इज वेरी कॉन्फिडेंशियल कैन बी शोन टू व्हाट अनऑथराइज्ड पर्सन, इसलिए बोलते हैं कंट्रोल और प्रिंटिंग भी होना जरूरी है। समझे आप, और साथ साथ में यहां पे लिखा हुआ है कि रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि देयर शुड नॉट बी एनी टाइम गैप बिटवीन द रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे रिपोर्ट दिया वो प्रिंटर से लगे छोटा लो, इससे पहले कोई उसको अनजान व्यक्ति देख ले। और यहां पर लिखा स्पूल, स्पूलिंग, आप सभी जानते हो, अगर मान लो एक बार मैं प्रिंटर को प्रिंट दे रहा हूं, तो मेरा काम करेगा वो, तो उसमें बिजी हो जाएगा, तो जब तक मेरा काम नहीं होगा
तब तक कोई मिस्टर एक्स उसको देगा तो एक्स का काम एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो एक्स को बेचारे को वेट करना पड़ेगा, वाई को वेट करना पड़ेगा, जेड को बार बार मुझे कहेगा बिजी बिजी बिजी, तो एक्स वाई जेड का बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए क्या बोला, आजकल में स्पूल आएगा, तो जैसे मैं कुछ प्रिंट को देता हूं तो मेरा भी प्रिंट स्पूल में जाएगा, एक्स का भी प्रिंट स्पूल में जाएगा, वाई का भी स्पूल में जाएगा, जेड का भी, फिर वहां से जो 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 पहले पहले आया उनका प्रिंटर, उनका डेटा प्रिंटर के पास जाएगा और वैसे वैसे सबका प्रिंट निकलता रहेगा। So, क्या बोलते हैं स्पूलिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्पूलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पूलिंग, स्पूलिंग इज द टेम्पररी स्टोरेज अवेलेबल ऑन द प्रिंटर, सो दैट व्हाट, जितने जितने भी लोग एक साथ में प्रिंटर को एक्सेस कर रहे हैं उनका सबका प्रिंट मिलेगा, सबको वेट करने की जरूरत नहीं। पर आप बोलेंगे किसका प्रिंटआउट पहले निकलेगा, जिसने जितने पहले पहले दिया उसका प्रिंटआउट, पर सबको हमेशा के लिए वहां पे वेट करने की जरूरत नहीं कि प्रिंटर कब खाली हो, अपना कंट्रोल पी कर दो, वो डेटा जाके स्पूल में जाके स्टोर हो जाएगा। पांच बातें बताओ, दो लॉग है, एक स्पूलिंग है, राइट कंट्रोल होना चाहिए प्रिंटर पर, यू शुड ऑलवेज सेलेक्ट राइट प्रिंटर, और जैसे प्रिंट आउट दिया तभी उठा लो, उसको बोलते आउटपुट, यानी हमने बाउंड्री कर लिया आउटपुट कर लिया, यानी कि हमने बाउंड्री कर लिया आउटपुट कर लिया, अगला बच्चा ये रहा आपके सामने। ओके कम ऑन गाइस, कम ऑन, ऑल गुड कम ऑन गाइस एवरीवन। अभी यहां पे अभी जो चल रहा है इसके बाद एक और चैप्टर बचा है, हाँ भाई बचा है ना, कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद एसएम चालू होगा अपना, डोंट वरी, अरे सब कर देंगे आज, थक गए क्या आप, अरे मेरे पास देखो मैं तकरा नहीं, आप कहा तक रहे, नहीं नहीं करना ही है, चलो चलो जोश बाकी है, जोश बाकी है, कमान तुम ही हो जो कर सकते हो, चलो कम कमान गाइस कमान। अब पढ़ना है हमें डेटाबेस कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल के दो बच्चे हो रहे हैं, डेटाबेस कंट्रोल के दो बच्चे, एक तो मेजर अपडेट और एक तो मेजर रिपोर्ट। अब मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, यहां पे एक एटीएम है और एटीएम से डेटा कहां जाएगा, सर्वर पे जाएगा, एटीएम से डेटा कहां जाएगा, सर्वर पे। तब देखो क्या प्रॉब्लम होती है, देखो ये एटीएम से, अभी एटीएम सारे एटीएम से डेटाबेस से डेटा यहां जाना चाहिए। अब इस एटीएम से मैंने 1000 रुपए विड्रॉ किए, आपको लगता नहीं ये डेटा यहां पर जाना चाहिए, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, डेटाबेस यानी लोकेशन जहां पर डेटा स्टोर होता है, तो जितने बार यूजर यहां से कुछ भी, यानी कि एनी डेटा विच इज अपलोडेड ऑन द ट्रांजेक्शन फाइल, इट्स कॉल्ड द ट्रांजेक्शन फाइल, मस्ट बी अपलोडेड ऑन द मास्टर फाइल, यानी कि क्लाइंट पे जो रहा है वो सर्वर पे होना ही चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, डेटाबेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट, ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन फाइल मस्ट बी अपलोडेड ऑन द व्हाट, एवरी मास्टर फाइल, बराबर है। फिर उसके बाद में वो सस्पेंस भी होना चाहिए और यहां पे लिखा है उसका सीक्वेंस भी होना चाहिए, जैसे मुझे क्या बोलना मालूम क्या, अब बताओ एग्जांपल में ले रहा हूं, उल्टा होता क्या होगा, यानी कि मैं मान लो 1000 रुपए विड्रॉ करता हूं और यहां पे गया ही नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन तो लॉस हो जाएगा। इसलिए जो भी लोग क्लाइंट पे कुछ भी कर रहे हैं उनका डेटा सर्वर पे जाना ही चाहिए, पहला कंट्रोल है, यानी लोग एटीएम से निकाल ले रहे और सर्वर पे नहीं जाएगा तो बैंक तो लूट जाएगी, तो एवरी ट्रांजेक्शन विच इज प्लेस्ड हियर मस्ट बी अपलोडेड हियर, एंड दैट टू जो सीक्वेंस यहां पे है, यानी कि पहले मैंने 1000 विड्रॉ किया, फिर मैंने 10000 रुपए डिपॉजिट किया, फिर मैंने 20000 रुपए डेबिट किया, ये जिस सीक्वेंस में यहां पे हो रहा है उसी सीक्वेंस में यहां पे जाना चाहिए, अदरवाइज वहां पे ट्रांजैक्शन में एरर आ सकता है। सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन फाइल जो यहां पे सीक्वेंस में हो रहा है वही सीक्वेंस में मास्टर फाइल पे जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो लिखा है सस्पेंस अकाउंट, एक बार मैं एटीएम में गया था, मैंने 10000 रुपए विड्रॉ किए और विड्रॉ किए पर पैसे आए नहीं, पर मुझे डेबिट का मैसेज आ गया। अब हुआ क्या उस समय क्या हुआ, यहां पे देखो अभी ये एक डेटाबेस है और ये एटीएम है, मेरे आने के पहले ये भी कह रहा था कि वहां पे 1 लाख है, क्या बात है, और ये भी कह रहा था उसका बैलेंस 1 लाख है, ये भी कह रहा है 1 लाख, मेरे जाने के मैंने यहां से 10000 रुपए निकाले, ये बोलने लगा कि अब तुम्हारा बैलेंस 90000 है, और ये भी बोलने लगा 10000 है, ये कब की बात है अगर मेरे पैसे निकल जाते तो। पर क्या हुआ, इसने तो 10000 माइनस कर दिया पर ये हवले ने मुझे पैसे दिए ही नहीं। अब यहां पे बैलेंस कितना रहा, एटीएम के कैश रहे 1 लाख रुपए, बिकॉज मुझे 10000 रुपए तो मिले ही नहीं, पर इसको लग रहा है 10000 रुपए चले गए। अब यहां पे क्या हुआ, मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल मिसमैच हो गए। सो डोंट यू थिंक देयर इज अ क्रिएट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट में क्या होता है मालूम क्या, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट में 10000 रुपए चले जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है ये ट्रांजेक्शन के बीच में। फिर क्या करता है वो, जब सस्पेंस का मॉनिटरिंग होगा तो फिर क्या होगा, ये 10000 रुपए मुझे मेरे वापस मिलेंगे, पर 10000 रुपए मुझे मेरा तभी वापस मिल पाएंगे जब सस्पेंस अकाउंट, अगर सस्पेंस अकाउंट मेंटेन ही नहीं होता
तो मुझे मेरे 10,000 रुपए वापस है। तो इसका मेनुटी क्या है? ऑल सस्पेंस सीक्वेंस ऑल ऐसा समझ में आ रहा है? ओके आगे, यानी कि ऑल का मतलब क्या है? सारे ट्रांजैक्शन अपलोड होना चाहिए, सेम सीक्वेंस में होना चाहिए, और अगर मिसमैच हुआ तो वो सस्पेंस में आना चाहिए। अब ये किसके बच्चे थे? ये तरह देखो, इस चैप्टर में बच्चे इतने होना समझ रहे नहीं कौन से बच्चे किसके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको सारे बच्चे होने वाले बता दूंगा किसके रिश्ते किसके आते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप डेटाबेस के दो बच्चे, इसको अपडेट बोलते हैं। अब मेजर रिपोर्ट की बात करते हैं, रिपोर्ट में तीन बच्चे, एक स्टैंडिंग डेटा। अब जैसे बिग बाजार में कोई परचेस करने गया, आपने झंडुआ परचेस किया, आपने हमाम परचेस किया, आपने मान लो निर्मा परचेस किया। अब आपने परचेस तो कर लिया, पर उसका जो रेट है ना वो वहां पे नहीं रहता। कहां रहता उसका रेट? उसका रेट डेटाबेस में रहता है। मान लो आप ये यहां पे बिग बाजार में गए और इसका सर्वर यहां पे है, तो आपने यहां से बाय किया, मान लो आपने लक्स बाय किया, आपने निर्मा बाय किया और आपने हमाम बाय किया। अब ये डेटा, इसका रेट कहां से? इसका यहां से बार कोड इधर जाएगा और यहां पे उसके रेट होते हैं। ये रेट हमाम का रेट कितना है, निर्मा का रेट कितना है और लक्स का कितना है, इसका 10 रुपए, इसका 20 रुपए, 30 रुपए, ये सब डेटाबेस में मेंटेन। उसको बोलते क्या? स्टैंडिंग डेटा। अब यहां पे होगा तो वो डेटा यहां से यहां फेच होके इधर इसका 10, 20, 30 आता है यहां पे लिख के। अब इसका मतलब क्या? डेटाबेस के अंदर जो स्टैंडिंग डेटा होता है ना, वो डेटा की सिक्योरिटी बेहद जरूरी है। इफ द स्टैंडिंग डेटा इज नॉट सिक्योर, अगर इस डेटा को किसने मिसयूज कर लिया, मान लो इसका रेट 10 रुपए से हटा के इसका 1 रुपया कर दिया ना, तो उसके बाद में जितने बार भी हमाम बेचा जाएगा वो 1 रुपए में बेचा जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि डेटाबेस के अंदर का जो स्टैंडिंग डेटा है, जहां पर रेट, जहां पर डिस्काउंट रेट, जहां पर प्राइसिंग लिखी होती है, उसकी सुरक्षा होना बेहद जरूरी है। ओके, दूसरा पॉइंट। उसके बाद में रन टू रन कंट्रोल, ये समझाता हूं मैं। प्रिंट सस्पेंस, आप मुझे बताओ, पहले तो सस्पेंस दिखा था हमने, ट्रांजैक्शन फाइल और मास्टर फाइल मिसमैच है तो वो सस्पेंस होना चाहिए। पर ये क्या बोल रहा है? मिसमैच होकर क्या फायदा? वो मिसमैच होने के बाद में किसने देखा नहीं, तो स्वप्निल पाटनी को अपने 10,000 वापस मिलेंगे नहीं। तो यहां पे बोला कि सस्पेंस होना चाहिए, यहां पे बोला सस्पेंस अकाउंट का मॉनिटरिंग होना चाहिए ताकि मुझे मेरे पैसे वापस मिले। और लास्ट में लिखा है एग्जिस्टिंग। ये क्या मतलब रे भाई इसका? अरे बोलो भाई इसका मतलब क्या है भाई? ये क्या होता है? डेटाबेस का बैकअप लेकर रहो, अगर डेटाबेस गया ना तो यू विल बी एबल टू रिकवर। तो तीन बातें मुख्य है इसमें, कौन सी? चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैंडिंग डेटा पे कंट्रोल करो, सस्पेंस अकाउंट का मॉनिटरिंग करो ताकि जो सस्पेंस उसको उसका पैसा वापस मिले, और तीसरी बात डेटाबेस का बैकअप लेना चाहिए ताकि डेटाबेस गया तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो आपने तीन बच्चे देखे यहां पे अभी, कौन से? एक तो आपने बाउंड्री देख लिया, एक तो आउटपुट देख लिया, और आपने अभी अभी डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर दो बच्चे कौन से थे? एक मेजर अपडेट और एक था रिपोर्ट। तो अपडेट में कैसे? ऑल सीक्वेंस सस्पेंस, और रिपोर्ट में कौन से थे? डेटाबेस स्टैंडिंग डेटा बचाओ, सस्पेंस के ऊपर मॉनिटरिंग करो और वहां पे बैकअप लेके रखो। ये सारे बच्चे हमने वहां पे देखे। कम्युनिकेशन बहुत ही इजी हो चुका, पहले बहुत डिफिकल्ट था, अभी बहुत इजी हो गए। उनका क्या बोलना है? जो कम्युनिकेशन, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर की इज्जत जो लूटते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर की इज्जत 6 जगह पे लूटते हैं, बाउंड्री पे, इनपुट पे, प्रोसेस पे, आउटपुट पे, स्टोरेज पे, कम्युनिकेशन पे। सॉफ्टवेयर की इज्जत लूटने के 6 तरीके, बाउंड्री पे, इनपुट पे, प्रोसेस पे, आउटपुट पे, स्टोरेज पे, नेटवर्क पे। इन 6 जगह पे कंट्रोल लगा दिया ना, कोई भी सॉफ्टवेयर की इज्जत नहीं लूट सकता। इसलिए कंट्रोल इन सब जगह पे लगना जरूरी है। आइए सबसे पहली बात, लाइन एरर कंट्रोल। यहां पे बोलते हैं एक डेटा का, करो डमी डेटा इधर से उधर भेज के देखो, और अगर वहां पे वो डेटा सेम टू सेम नहीं जा रहा तो उस एरर को डिटेक्ट करो, ना कि सिर्फ डिटेक्ट करो, उसको करेक्ट भी कर दो। उसको बोलते हैं लाइन एरर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो कंट्रोल? मान लीजिए यूट्यूब के पास में, गूगल के पास में मेन फ्रेम कंप्यूटर है और मेरे पास चुल्लू सा कंप्यूटर है, और दूसरे डेटा बहुत फ्लो में आ रहा है और मेरे पास में आ रहा है, आपको लगता है मेरा कंप्यूटर ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए फ्लो कंट्रोल होना जरूरी है, उसकी रफ्तार और मेरी रफ्तार को मैच करने के लिए बीच में फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। वरना क्या हुआ, एक तरफ से मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे चिल्लू कंप्यूटर, तो उसका फ्लो मैनेज होना जरूरी है, अदरवाइज छोटा कंप्यूटर का ब्लास्ट हो सकता है। लिंक कंट्रोल के लिए कहते हैं कि प्रोटोकॉल्स होना जरूरी है। अगर मान लीजिए मैं यहां से कभी भी कुछ चीजें एक्सेस कर रहा हूं, जो देखो दो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल का होना जरूरी है। तो नेटवर्क में सबसे, अगर मान लो केबल लगा हुआ है, सब लगा है, फिर भी आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस अनदर कंप्यूटर अगर हमारे दोनों के बीच सेट ऑफ रूल्स मैनेज है। तो बोलते हैं आपके सेट ऑफ रूल्स अच्छे होना चाहिए, सेट ऑफ रूल्स मैनेज होना चाहिए। लास्ट में चैनल एक्सेस कंट्रोल्स, लिंक कंट्रोल्स, चैनल एक्सेस कंट्रोल के बच्चे कौन से? मेन बुक में किधर कुछ चैनल एक्सेस कंट्रोल के कुछ नाम है उसके अंदर?
for the channel exists, some type of channel control technique must be used. चैनल एक्सेस कंट्रोल, ये नेटवर्क वाला पॉइंट है क्या? चाहिए कि टू डिफरेंट नोड्स इन अ नेटवर्क कैन कंपीट टू यूजर कम्युनिकेशन चैनल, मतलब मैंने इतना अंडरलाइन किया। हाँ मैं बोलता हूँ आपको, चैनल एक्सेस कंट्रोल का क्या, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए पुलिंग, हाँ पुलिंग कंटेंशन, मैं वही बोल रहा था क्या है इसका, पुलिंग कंटेंशन है बराबर है। अभी पोलिंग और कंटेंशन मतलब क्या है, पोलिंग और पोलिंग क्या बोलता है कि जब भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलते हैं, वो है हब और स्विच है, हब और स्विच में बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो किसको पहले राइट देना चाहिए और किसको पहले राइट नहीं देना चाहिए, ये अगर मान लो ऐसा हुआ कि पहले से ही इनके राइट्स यहाँ पे जो पहले जाएगा उसको पहले दिखेगा और जो बाद में जाएगा उसको बाद में दिखेगा, उसको बोलते हैं पोलिंग। और यहाँ पे कंटेंशन जो होता है उसका मतलब होता है कि पहले से ही उसकी प्रायोरिटी डिसाइडेड होती है, उसको कंटेंशन। एग्जांपल दे रहा हूं भाई, ये हब है, यहाँ पे 50 कंप्यूटर का कनेक्ट केबल लगा है, सर्वर उधर है, अब उसमें से किसका पहले नंबर लेना, अगर ये डिसाइडेड नहीं है और जो फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा हुआ तो उसको बोलते हैं पुलिंग मेथड। कंटेंशन में क्या होता है, पहले से चाहे कोई भी पहले जाए, पर अगर एग्जांपल कोई बॉस है अगर वो बोलता है मेरे को पहले चाहिए और वहां पे लिखा हुआ इसका नंबर पहले लगना चाहिए, उसको बोलते कंटेंशन। ये नेटवर्क में बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा ना, जो हमारे हल्के लोग टाइम पास काम कर रहे होंगे उनको पहले डेटा मिल जाएगा और जो बॉस है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसको बाद में मिलेगा, इसलिए बोलते हैं वहां पे कंटेंशन होना जरूरी है। पोलिंग में क्या होता है, पोलिंग में डिसाइडेड नहीं होता कि किसको पहले मिलना चाहिए, जो पहले जाएंगे उसको पहले, कंटेंशन में पहले से डिसाइडेड होता है कि किसको क्या मिलने वाला है। आई थिंक इट इज डन। और यहां पे जो फिजिकल कंपोनेंट्स है हमारे नेटवर्क के अंदर, जो फिजिकल कंपोनेंट जैसे कि राउटर है, जैसे कि स्विचेस है, जैसे कि ब्रिज है, जैसे कि केबल्स है, इन सब का कंट्रोल होना बेहद जरूरी है, उसको बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल्स। कभी कुछ लोगों ने हो सकता है इसके पहले वाली बैच की होगी तो उनको लगा होगा इसके अंदर बहुत सारे, मान लो एक साल पहले बैच के, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, ये बच्चे सारे डिलीट होके ऐसे डायरेक्ट, अभी इतना इसके अंदर का डेटा बहुत सारा कम किया हुआ है। आपने इसके पहले वाले पेज पर देखा होगा डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट के भी बच्चे हुआ करते थे, सिक्योरिटी के बच्चे हुए, ये बच्चों को डिलीट कर दिया, मैंने नहीं किया, आईसीए ने अमेंडमेंट में लाए बच्चे सारे डिलीट करके, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ेंगे, चलो तो अभी तक कितने बच्चे हो गए इसमें, कम्युनिकेशन में 5 बच्चे, हमारे जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स है उनको बचाओ, साथ साथ में लाइन एरर में एक इधर से डेटा भेजो, चेक करो कि कुछ एरर डिटेक्ट हो रहा है और है तो उसको करेक्ट करो। फ्लो में कुछ बहुत मेन फ्रेम कंप्यूटर इधर स्मॉल कंप्यूटर के उनके बीच का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करो, वरना स्मॉल कंप्यूटर को प्रॉब्लम होगी। लिंक कंट्रोल में आपके प्रोटोकॉल्स होना जरूरी है, अदरवाइज दो डिफरेंट कंप्यूटर एक साथ में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और लास्ट में लिखा है पोलिंग एंड कंटेंशन, उसको पोलिंग को बोलते हैं पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि किसको पहले एक्सेस मिलना चाहिए, पर कंटेंशन में पहले से डिसाइड होता कि किसको पहले एक्सेस मिलना चाहिए। ओके ये सारे बाउंड्री देखा हमने, कम्युनिकेशन देखा, डेटाबेस देखा, आउटपुट देखा, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है। आगे देखेंगे, लास्ट पॉइंट चल रहा है, लास्ट पॉइंट चलो थोड़ा सा देख लेते। इतना होने के बावजूद मैं आपको यकीन दिला सकता हूं ये चैप्टर 80% हो जाएगा, बल्कि 85 हो जाएगा। ये पेज हो गया ना, आप बोलेंगे आखिरी के दो पेज, वो इतने इजी पेजेस है, वो ऑलरेडी हमने खत्म कर लिए, ऑलरेडी हमने खत्म कर लिए, मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। चलो अभी उसके बाद खत्म कर लिए, यहां पर ऑडिटर दिख रहा है, यहां पर नाम दिख रहा है, देखो नाम क्या दिख रहा है यहां पर, इधर देखो मेरे पास बहुत भारी चल रहा है अभी, यहां पर लिख रहा है मैनेजरियल एंड ऑडिट कंट्रोल्स, बराबर है। और यहां पे एप्लीकेशन दिख रहा है, उसके साथ साथ में आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये पेज डबल हुआ गया मेरे पास, है ना, डबल है ना, इस पे डबल है, कोई बात नहीं, एक ही पेज बचा है मतलब, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, अभी हमने मैनेजर देखा क्या, बोलो मैनेजर के 7 बच्चे कौन से, अरे बोलो ना, टॉप मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट, प्रोग्राम डेवलपमेंट, क्वालिटी, डेटा, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन। देखो देखो ये नाम वापस रिपीट है ना इधर, ये टॉप मैनेजमेंट, ये सिस्टम डेवलपमेंट, डेटा रिसोर्स, सिक्योरिटी, ऑपरेशन, क्वालिटी। आप बोलेंगे रिपीट कैसे हो गए, अब ध्यान से सुनना यहां पे क्या लिखा है, वो जो कंट्रोल लगाया ना उधर, ये आपने मैनेजर पेज आपने हूबहू यहां देखा था, देखा है, यहां पर लिखा था इनके कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, ये कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाना चाहिए। यहां पर क्या बोल रहा है मालूम है, ये कंट्रोल्स को चेक करने की जिम्मेदारी ऑडिटर की है। तो बता दोनों का आंसर सेम क्या, ऑब्वियसली जो कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाए हैं उसी को तो ऑडिटर चेक करेगा, इसलिए दोनों का यहां पे सिर्फ व्हेन यू राइट आंसर हियर इट शुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर ये टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग किया था कि नहीं चेक करेगा,
ऑर्गेनाइजेशन किया था कि नहीं चेक करेगा, कंट्रोल करता, मतलब वो सिर्फ यहां पे क्वेश्चन मार्क करना है कि ऑडिटर चेक करेगा मैनेजर ने ऐसा किया था कि नहीं। अभी देखते एग्जांपल, दूसरी बात उधर का एक कंट्रोल और बताओ क्वालिटी, यहां पे ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर विल मेक श्योर, ऑडिटर विल चेक कि इंफोसिस ने जब भी सॉफ्टवेयर दिया था वो आईसीएस को चेक करके दिया था कि नहीं। उधर क्या बोला था, इंफोसिस ने चेक करके देना चाहिए, यहां पे बोलेगा चेक करके दिया था क्या नहीं, वहां पे बोलेगा एलआईसी ने आईसीआईसीआई ने डेटा बेस देखो यहां पे लिखा था, एलआईसी ने आईसीआईसी ने डेटाबेस मेंटेन करना चाहिए, देखो यहां पे लिखा हुआ है डेटाबेस की सिक्योरिटी, यहां पे क्या बोलेगा इट विल मेक श्योर कि डेटाबेस की सिक्योरिटी वापस प्रॉपरली मेंटेन हो जाएगी, देखो यहां पे डेटा रिसोर्स आया हुआ है, वहां पे लिखा था सिक्योरिटी में आग पानी धूल मिट्टी बिजली भूकंप सुनामी अनुतरण एक्सेस का सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल होना चाहिए, यहां पे लिखेंगे आग पानी धूल मिट्टी बिजली भूकंप का अनुतरण एक्सेस का सिक्योरिटी मेंटेन हुआ क्या नहीं हुआ, आप यहां पे कौन चेक करेगा ऑडिटर चेक, यानी कि कुछ नहीं, वो सिर्फ बोलता है वो बोलता है, वो ऐसा क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन तो बोलना मैनेजर ये सारे कंट्रोल लगाएगा, और वही क्वेश्चन अगर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू हुआ आंसर वही लिखना है, सिर्फ चेक करना है कि ऑडिटर्स उन सारे कंट्रोल को चेक करके कि वो कंट्रोल लगे है या नहीं। सेम बात अगर देखेंगे एप्लीकेशन में, देखो एप्लीकेशन क्या लिखा, कहां करें वो एप्लीकेशन इधर लास्ट में देखो है क्या वही बच्चे, सॉफ्टवेयर की इज्जत कहां उठते हैं, बाउंड्री पे, इनपुट पे, प्रोसेस पे, आउटपुट पे, स्टोरेज पे, कन्वर्जन, वही दिखा था, देखो इसके पहले वाले पेज पे वही था, यही चल रहा, देखो यही पेज यही वही, फिर आप बोलेंगे डबल कैसे, यहां पे बोला था ये मैनेजर की जिम्मेदारी उन्होंने चेक कंट्रोल लगाना चाहिए, यहां पे क्या हो रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर कि ऑडिटर चेक करना चाहिए कि वहां पे बाउंड्री पे क्या हो रहा था, पासवर्ड लगाए तो ऑडिटर का चेक करके पासवर्ड लगाया था कि नहीं, हाँ पिन लगाया था कि नहीं, क्रिप्टोग्राफी था क्या नहीं, बायोमेट्रिक था क्या नहीं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड था कि नहीं, यहां पे था क्या नहीं, था क्या नहीं, वहां बोलेंगे लगाओ लगाओ, या बोलेंगे था क्या नहीं, था क्या नहीं, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, ये चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। उसके बाद में आप देख रहे होंगे एनवायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, ये क्या है, ये वापस से हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, हमने लॉजिकल देखा, फिजिकल देखा, एनवायरमेंटल देखो, यहां पे इस पेज पे देखा था, देखो देखो इधर देखो, देखो आपने एनवायरमेंटल देखा था, ये फिजिकल देखा था, लॉजिकल, फिर आप बोले उधर क्या पूछ रहे, यहां पे वो बोल रहा है हाउ विल यू चेक द, हाउ विल यू चेक whether in, if you are, ऐसा बोलेंगे, if you are an auditor, how will you check the environmental control? मतलब क्या, यहाँ पे बोला था environmental control में क्या क्या आता है, वहां पे वो नहीं बोला environmental control auditor कैसे चेक करेगा, अरे कैसे चेक करेगा, जो लगाया था वही चेक करेगा, हम लोग वही चेक करेंगे, आग पानी धूल मिट्टी बिजली भूकंप सुनामी के सारे कंट्रोल लगे है क्या नहीं लगे, मतलब हम लोग क्या चेक करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर है क्या नहीं, फायर अलार्म है क्या नहीं, स्मोक डिटेक्टर है क्या नहीं, अरे रेस्ट फ्लोर है क्या नहीं, अरे ये सब चेक करने का काम यहां पे है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना, कोई कंफ्यूजन मत करो, बहुत इजी है, देखो ये वो उधर बोला था कंट्रोल लगाओ लगाओ लगाओ, यहां पे लेंगे वो चेक करेगा कि वो कंट्रोल लगाए थे, यानी देखो ये भी लेगा उधर की कंट्रोल से लेगा, देखो उसके अंदर फिजिकल लॉक लॉक पिंग अदर्स, लॉक लॉक पिंग उधर देखा था ना, यहां पे क्या करेंगे लॉक लॉक पिंग अदर्स के ऑडिटर जाके चेक करेंगे इन्होंने लॉक लगाया था कि नहीं, इनका पिन है कि नहीं, इनका पिन है कि नहीं, एक्सेस कार्ड है कि नहीं, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, उनके फिजिकल लॉक है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक लॉक है कि नहीं, एक्सेस का, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड है क्या नहीं, फेंसिंग है क्या नहीं, डेडमैन डोर है क्या नहीं, आउट ऑफ आवर्स का है क्या नहीं, अलार्म सिस्टम है क्या नहीं, लॉक है क्या, ये सब चीजें जो उधर लिखी थे यहां पे ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है और कुछ नहीं करना, समझ में आ रहा है, ओके yes, okay. अब लॉजिकल का भी वही, लॉजिकल के हमने बहुत सारे बच्चे देखे उधर, बताओ कौन से थे, एक तो यूजर एक्सेस था कि यूजर ने अपना कंप्यूटर लेफ्ट नहीं करना चाहिए, उसने पासवर्ड, तो यहां पे ऑडिटर चेक करेगा यूजर की छोड़ के तो नहीं जाता है, छोड़ के गया तो लॉक करता है कि नहीं, यूजर ने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किया कि नहीं, मैनेजमेंट में बोला था उधर मैनेजमेंट ने प्रिविलेज देना चाहिए, पूरा रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, चेक करेगा रजिस्ट्रेशन किया था कि नहीं, प्रिविलेज के हिसाब से दिया था कि नहीं, उसका बार बार रिव्यू होता है कि नहीं, अरे ये क्वेश्चन मार्क है बॉस, ये उधर वही लिखा है, देखो ये पूरा फोकट का ही ये पेज, और ये आखिरी का पेज डबल हो गया, ये रिपीट है, डिलीट कर रहा हूं मैं, पर ये तो रिपीट हो गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा था, एप्लीकेशन में छह बच्चे मैंने चार किए, दो आप करेंगे, एप्लीकेशन के छह बच्चे बताओ कौन से कौन से, बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटाबेस एंड व्हाट, मतलब कहां का पे इज्जत लूट सकते हैं, बाउंड्री पे, इनपुट पे, प्रोसेस पे, आउटपुट पे, नेटवर्क पे, डेटाबेस पे, उन छह जगह पे, बाउंड्री के पांच बच्चे बताओ कौन से कौन से, क्रिप्टोग्राफी, पिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक, आई गार्ड, डेटाबेस के दो बच्चे, एक अपडेट पे कंट्रोल है, रिपोर्ट पे, अपडेट कौन से, ऑल सीक्वेंस, सस्पेंस, सस्पेंस सीक्वेंस ऑल, और डेटाबेस के रिपोर्ट पे स्टैंडिंग डेटा कंट्रोल करो, सस्पेंस अकाउंट का मॉनिटरिंग करो, और बोलते हैं डेटाबेस का बैकअप ले लो, अब बात करिए आउटपुट पे कौन से कंट्रोल है, बोलते हैं लॉग लॉग, दो लॉग बनाओ, स्पूलिंग बनाओ, और राइट प्रिंटर को सेलेक्ट करो, और जैसे प्रिंट आउट दिया लगेज उठा लो,
अब बात करेंगे किसकी, कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के चार बच्चे, बोलते फिजिकल कंपोनेंट को अच्छा करो, तुम्हारे जो एरर डिटेक्शन करो, लिंक लिखा देखो, लाइन एरर डिटेक्शन करना चाहिए और करेक्ट करना चाहिए। फ्लो में बड़ा कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और चैनल एक्सेस में सब जानते हैं, वो पोलिंग एंड कंटेंशन वो सब चीज़ें, इनपुट और प्रोसेसिंग आप करेंगे, ठीक है। लास्ट पेज गाइस, लास्ट पेज फ्रॉम दिस चैप्टर, आप नहीं जानते आपने क्या काम किया है। ये चैप्टर पढ़ाने के लिए 36 घंटों का, क्या बोल 36 नहीं 26 घंटों का इस्तेमाल किया जाता है लेगुल क्लास। भयानक चैप्टर है ये, इट डू नॉट टेक दिस चैप्टर लाइटली, बहुत अंदर घुसता है ये। आपने किया ना, बहुत बड़ा काम है ये। आज सभी लोगों की जितनी तारीफ करी उतनी कम है। चिराग गोयल कर रहे आप इतने औसम कैसे हैं सर, पानी पी लो, पानी पी लूंगा मैं, आप बस आप पास हो जाओ, ये मेरे लिए आशीर्वाद है। बस आपसे मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, बहुत गरीब लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है ना, जो क्लास लेने से वंचित रह जाते हैं। हो सकता है उनको पता नहीं है रिविजन लेक्चर में कितना दम है, आप जरूर इतना काम करें। मैंने आपको पढ़ाने के लिए इतने एफर्ट्स लिए, आप कॉपी करके पेस्ट करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल ही सकते हैं, डाले जहां जहां पर डालना है, आप मुंबई से हो, दिल्ली से हो, जहां से भी हो, कोलकाता से डालो, लेट देम रिवाइज, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना ही नहीं, चार्ट्स की जो हार्ड कॉपी वो 1000 रुपए में बिकती है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया हुआ है। आप मेरी वेबसाइट पर जाके देखिए, यू विल फाइंड 1000 रुपीज का चार्ट बुक आता है, पर मैं वो पैसों का नहीं देखता हूँ, वो अगर चार्ट बुक से अगर 10 लोगों का भला हो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो आप जरूर उसका प्रिंट आउट ले ले, आपको सस्ता भी पड़ेगा। ये करो, ये रिविजन लेक्चर ये बहुत रामबान चीज है, पास हो जाओगे आप, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, बहुत मजा आएगा। अपना फायदा बनके स्वार्थी मत बनिए, स्वार्थी होता तो मैं आज का लेक्चर नहीं लेता, मेरे घर में कोरोना के पेशेंट है, उनकी जान हथेली पे रख के आपके साथ मैं बैठा हूं, क्यों, आपका फायदा। तो आप थोड़ा सा फायदा करो लोगों का, कॉपी करो, पेस्ट करो, लोगों को लिंक भेजो, है ना, तो उनका भी फायदा होगा, उनको बताओ ये चार्ट से, आप भी पढ़ो इससे, चार लोग बच्चे पास हो जाएंगे। लोग इससे लड़ते हैं, जो और जो अपनी क्लास के बच्चे उनको एकदम आता है बहुत अच्छे, बिकॉज अपने क्लास में बहुत ध्यान दिया है, बट देर आर पीपल उन्होंने कहीं अदर ज्वाइन किया होगा, या फिर हो सकता है ज्वाइन नहीं किया होगा, या ज्वाइन किया था समझा नहीं, उनको भेजो ये, उसको ना भाई इतना कर ले, मैं गारंटी कर रहा हूं तेरे को सब समझ जाएगा, ठीक है ना। ओके, आई विल शेयर टू माई नॉन सी फ्रेंड, बेटा होला है कि तुमको, वो क्या करेंगे देख के। ओके, चलो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब बताओ। एक काम बैंक के अंदर आपने देखा होगा, एक ही काम बहुत लोगों में डिवाइड, तो बोलते कंप्यूटर के सिक्योरिटी काम एक को मत दो, और उन्हें ये भी कंट्रोल लगाने को बोला है कि एक काम जो है ना बहुत लोगों में डिवाइड करो, ताकि किसको फ्रॉड करना ना बहुत लोगों को साथ में लेके फ्रॉड करना पड़े। जैसे बैंक में होता है विड्रॉ करना है ना, 4-5 लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर मान लो जब तक ये 4-5 लोग की मिली भगत नहीं होती तब तक बैंक में फ्रॉड होता नहीं, तो उसको बोलते सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग जान ले, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हो ऑडिट पढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कंपोनेंट्स, फिर कंपोनेंट्स के अंदर जो थ्रेड्स है उसके लिए हमने पढ़े कंट्रोल्स, तो कंट्रोल्स पढ़े, और कंट्रोल्स जो लगाए हैं हम अब उसको क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। तो ये है ऑडिट, ये ऑडिट देखा आपने, ये सब ऑडिट किया, ये भी ऑडिट का ही पार्ट है, यानी कि ये दो 3.75 और 3.76 ये ऑडिट के। फिर से एक बार बोलना, हम लोग क्या देखे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने कंपोनेंट्स पढ़े। कंपोनेंट्स के कितने बच्चे थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क, इनको डिटेल में पढ़ा। पर इनके ऊपर बहुत सारे थ्रेड्स हैं, उन थ्रेड्स के ऊपर बचाने के लिए हमने क्या करा, कंट्रोल्स। कंट्रोल के 3 बच्चे हुए, ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेस ऑफ आई, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज एंड ऑडिट। ये ऑब्जेक्टिव के बच्चे थे प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, ISR में था लॉजिकल, फिजिकल, एनवायरमेंटल, और ऑडिट में था 2 बच्चे, एक मैनेजरियल और एक था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भी 6 बच्चे हुए थे, बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, वो सब था। मैनेजर में कौन से बच्चे थे, टॉप लेवल, कौन से कंट्रोल कर गया, टॉप लेवल बताया था, एक सिक्योरिटी वाला, क्वालिटी वाला, है ना, याद है, उसके बाद में डेटा वाला, फिर ऑपरेशन, एंड देन सिस्टम डेवलपमेंट एंड वो प्रोग्रामिंग, ये सब था यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे एक बच्चा था, अभी ये कंट्रोल जो लगा है उनका ऑडिट करना जरूरी है, और यही ऑडिट को समझाने के लिए 3.76 और 3.77 पेज दिए हुए। तो कंट्रोल 75 एंड 76, अगर ये कंट्रोल लगाया है पर अगर इसका ऑडिट ना हो
तो वी विल नेवर अंडरस्टैंड आवर कंट्रोल्स आर वर्किंग प्रॉपरली। इसीलिए हमने जब ये 3.76 पेज देखा तो हमने क्या किया, लॉजिकल का ऑडिट कर लिया, हमने फिजिकल का ऑडिट कर लिया, हमने एनवायरमेंटल का ऑडिट किया, हमने मैनेजर का ऑडिट किया, हमने एप्लीकेशन का ऑडिट किया। समझा क्या हुआ? Yes, ये 3.76 पेज। अब 3.75 बोल रहा है सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज, वो एक कोई ऐसी क्वेश्चन है, और एक पढ़ते ऑडिट में और क्या करना है। चलो 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 भाई, कम ऑन, चलो चलो आ जाओ मेरे बच्चों, चलो आप बताएंगे जो आप सभी लोग को ऑडिट एविडेंस मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये आप ऑडिट में पढ़ती है, ऑडिट एविडेंस क्या है छोड़ दो। अब बात करें ऑब्जेक्टिव, ये ऑडिट करने का मतलब क्या है। मैं जब सिस्टम ऑडिटर था, आई वॉज अपॉइंटेड बाय मेनी बैंक्स, उन बैंक्स में क्या था, बहुत सारे सिस्टम लगाए थे, उन्होंने देखो आजकल कोई भी बैंक पूरा सिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पूरा सिस्टम चल रहा है, नेट बैंकिंग, ये बैंक वाले क्या करते हैं, कंट्रोल लगाते हैं, और हम जैसे सीसा डीसा ऑडिटर को क्या बोलते हैं, ऑडिटर बोल के, आईएएस ऑडिटर बोल के अपॉइंट करते हैं। तो हम लोग क्या चेक करते हैं, वी डू नॉट फोकस ओनली ऑन द सिक्योरिटी, वी आल्सो फोकस, मैं हम लोग सिर्फ वहां के डेटा की सिक्योरिटी और असेट की सिक्योरिटी नहीं देखते। देखो यहां पे लिखा असेट सेफगार्डिंग डेटा, ये तो हम लोग करते ही है कि उनका डेटा सिक्योर है क्या, उनके असेट सिक्योर है, पर हम लोग साथ साथ में ये भी चेक करते जो कंप्यूटर लगाए हैं क्या उनकी स्पीड, उनकी इफिशियंसी अच्छी है क्या नहीं, तो कस्टमर नाराज हो जाएंगे। और साथ साथ में हमें देखते थे उसके अंदर वो सारे फीचर्स है जो लेटेस्ट जमाने के चल रहे, वो सारे इफेक्टिव फीचर्स है क्या नहीं, वो भी चेक करते हैं। तो बताएंगे चार बातों की बात है, अगर कोई भी ऑडिटर अपॉइंट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, तो चार बातें चेक करता है, एक वो एसेट सेफगार्ड और डेटा सेफगार्ड है कि नहीं वो चेक करता है, साथ साथ में कंप्यूटर की स्पीड यानी कि एफिशिएंसी भी चेक करता है, और कंप्यूटर के अंदर वो उचित फीचर्स है क्या नहीं जो लेटेस्ट चल रहा है, उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस भी चेक करता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव चार होते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस भी होते हैं। आपसे एक सवाल पूछूं, ये आईएएस ऑडिट करने की जरूरत क्या है, क्यों करते, देखो ऑब्जेक्टिव अलग है, क्योंकि अगर आईएएस ऑडिट नहीं करेंगे तो यहां पे लिखा है कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल गूगल की बात कर, गूगल ने अगर अपना ऑडिट नहीं करवाया डेटा लॉस होता है कि नहीं, तो अगर सच में ऑडिट नहीं किया गूगल का डेटा लॉस हो गया तो गूगल पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल बंद, बिकॉज गूगल का डेटा, गूगल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डेटा, तो इसलिए वो बार बार ये चेक करते हैं कि अपना डेटा सुरक्षित है क्या नहीं, इसलिए वो ऑडिट करवाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा मालूम है कि ऑडिट क्यों करवाते, तो एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट का एग्जाम्पल है गूगल, तो गूगल क्यों ऑडिट करवाता है, चेक करने के लिए मेरा डेटा सुरक्षित है क्या नहीं। दूसरी बात, पॉइंट नंबर टू का एग्जाम्पल है टैली, मतलब टैली का ऑडिट क्यों होना चाहिए, क्योंकि टैली के ऑडिट में ये समझ सकते हैं कि टैली का डेटा करेक्ट है क्या इनकरेक्ट, अगर क्योंकि इनकरेक्ट डेटा अगर टैली ने दे दिया तो टैली के ऊपर के सारे फाइनेंशियल डिसीजन इनकरेक्ट हो जाएंगे, इसलिए पॉइंट नंबर टू में क्या करते हैं बोलो जल्दी से, इनकरेक्ट डिसीजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए टैली का ऑडिट किया जाता है। समझा, समझा मेरी बात, ऑडिट क्यों करते हैं भाई, अपना डेटा लॉस तो नहीं हो रहा चेक करने के लिए, कहीं इनकरेक्ट डिसीजन तो नहीं हो रहा ये चेक करने। तीसरी बात, कंप्यूटर अब्यूज, अब्यूज का मतलब क्या हो, कहीं ऑडिट में क्या चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो सुरक्षा, कोई भी हार्डवेयर को मिसयूज कर ले रहा है, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस कर ले रहा है, कोई चुरा ले रहा है, कहीं ये सब होता तो नहीं, ये चेक करने के लिए ऑडिट। देखो ना भाई, मेरा कंप्यूटर यहां पे लैपटॉप पड़ा है, कोई आके उसको चुरा तो नहीं ले रहा, कोई डेटा एक्सेस तो नहीं कर रहा, मिसयूज तो नहीं कर, ये चेक करने के लिए भी ऑडिट करते हैं। चौथी बात, हमारे कंप्यूटर की अगर जैसे एग्जांपल सिटी बैंक है, और सिटी बैंक का अगर डेटा अगर किसने हैक कर लिया तो पूरे अखबारों में आ जाएगा, न्यूज में आ जाएगा, तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका इमेज खराब हो जाएगा, इसलिए इमेज खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑडिट करते हैं। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट का एग्जाम्पल है एनएससीबीएसई। एनएससीबीएसई वाले ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑडिट इसलिए कराते हैं बिकॉज अगर वहां पर एक भी एरर रह जाता है, एक रुपए का एक ट्रांजेक्शन पे एरर है, तो सोचो दिन में करोड़ों ट्रांजेक्शन, करोड़ों रुपए का लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए वो लॉस एक छोटे सा मिस्टेक उनके लिए करोड़ों का हो सकता है, वैसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो ऑडिट करवाते हैं। लास्ट में क्या लिखा है, कंट्रोल इवोल्यूशन। आप सभी जानते हैं आजकल मेरी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी भी, फिर भी मैं नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूं, डेबिट कार्ड वॉलेट यूज कर रहा हूं, वेबसाइट चालू की मैंने, हाँ मैंने साथ साथ में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चालू की, पेंटर, तो अगर मैं इतना सारा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं तो डोंट यू थिंक इतने सारे टेक्नोलॉजी का रिस्क भी उतना ज्यादा हुआ, तो ज्यादा टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू ज्यादा रिस्क इज इक्वल टू ज्यादा ऑडिट करने की जरूरत है। ये पॉइंट नंबर 7। तो ऑडिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मोर टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू मोर रिस्क, दैट्स व्हाई देयर इज अ मोर नेसेसिटी ऑफ डूइंग ऑडिट। तो आप बताएंगे छह कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ऑडिट करना चाहिए। पहले बताइए गूगल, गूगल क्यों, गूगल का एग्जाम्पल लेके समझता है, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए इसलिए ऑडिट करते हैं। टैली, इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं लेना चाहिए इसलिए ऑडिट करते हैं। तीसरी बात, सिटी बैंक, क्रेडिबिलिटी लॉस नहीं होना चाहिए इसलिए, हमारा कंप्यूटर का कोई मिसयूज, कोई छोटा आदमी न चुराए इसके लिए ऑडिट करवाते हैं।
साथ साथ में एनएससी बीएससी बोलता है एक एरर हमें करोड़ों का नुकसान कर सकता है, इसलिए वो ऑडिट करते हैं। और लास्ट में लिखा है कि अगर मोर एसपीसी का एग्जांपल लेंगे, एसपीसी मोर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो मोर रिस्क है, और मोर रिस्क होगा मोर क्या होगा, मोर ऑडिट की जरूरत है। इसलिए छह बात याद रखना, दोनों क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और ए नीड ऑफ आईएस ऑडिट। लास्ट में टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स, आज सभी को लेट्स स्टार्ट गाइस, कम ऑन, वेलकम बैक। ओके गाइस, पढ़ते आगे, टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स की बात करते हैं। व्हाट इज दिस ऑडिट टूल? ये ऑडिट टूल है कॉन्करेंट ऑडिट टूल, क्या बोलेंगे इसको, कैट, कॉन्करेंट, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, कॉन्करेंट ऑडिट टूल, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट्स इट। इसके अंदर चैप्टर जो सबसे बड़ा है वो खत्म होगा, इसके अंदर चैप्टर 5 चालू होगा, बस एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद। कॉन्करेंट ऑडिट टूल का मतलब क्या है, बोलो क्या है भाई कॉन्करेंट ऑडिट टूल? आपको जवाब देना होगा, कॉन्करेंट ऑडिट टूल है क्या? अगर आर्टिकल ऑडिट करे तो देयर इज अ ह्यूज टाइम गैप बिटवीन द ट्रांजैक्शन अकरेंस एंड इट्स ऑडिट। वी वांट टू रिड्यूस द टाइम गैप बिटवीन द ट्रांजैक्शन अकरेंस एंड इट्स ऑडिट। आजकल आप जानते हो ऑनलाइन सिस्टम में अगर हमने उसी समय पे उस ट्रांजैक्शन को ऑडिट नहीं किया तब तक तो हम लूट जाएंगे। एग्जांपल, ऑनलाइन बैंकिंग में करोड़ों का फ्रॉड हो रहा था और एक साल बाद मालूम चला, ऑडिट एक साल बाद हुआ स्टैंड ऑडिट, तब तक तो हम लूट चुके होंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कॉन्करेंट ऑडिट टूल लगा के उसका ऑडिट उस समय ही करे। तो एग्जाम में अगर पूछेंगे कॉन्करेंट ऑडिट टूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट टूल इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ आर्टिकल, इट इज देयर टू चेक द ट्रांजैक्शन। ये ऑलरेडी सिस्टम में इनबिल्ट करवाते हैं, यानी क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर होगा एप्लीकेशन उसमें ही कैट को लगाता है। जैसे मैं ऑडिटर हूं, अब मेरे को किसी ने अपॉइंट किया तो मैं उसका ऑनलाइन सिस्टम में क्या करूंगा, अपना कैट इंप्लीमेंट कर दूंगा, ताकि जैसे ट्रांजैक्शन होगा उसी समय पे ऑडिट होगा और उसका रिपोर्ट तुरंत ही मेरे पास में आएगा, ताकि आई कैन अंडरस्टैंड द फ्रॉड इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज अकरिंग, देयर विल नॉट बी एनी टाइम गैप। तो सबसे पहले स्नैपशॉट, ये स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट है, स्नैपशॉट को ऑडिटर लगा दिया, एग्जाम्पल एटीएम सेंटर में। अब एटीएम में क्या हो रहा था, पहले एटीएम में कोई विड्रॉल स्लिप भरे नहीं जाती, इसलिए ऑडिटर को समझता ही नहीं कि जितना उसके नाम पर डेबिट हुआ है क्या सच में उसने उतना ही विड्रॉ किया था। अगर मान लो कोई बैंक में गया तो विड्रॉ स्लिप देना पड़ता है, वहां पे उतना पैसा लेजर में डेबिट दिखता है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जितना पैसा मांगा था उतना ही पैसा देगा, तो वो वहां पे समझ आता है। पर एटीएम में विड्रॉ स्लिप ही नहीं, इसलिए क्या करते हैं, वो विड्रॉ स्लिप की विड्रॉ स्लिप न होने की वजह से जो ऑडिट नहीं करते आ रहा था, अब वो कैट की वजह से करते आएगा। कैसे, ट्रांजैक्शन जैसे आपने कुछ लिखा मुझे 500 रुपए चाहिए, उसका फोटो निकलेगा आपके नाम पे, जब प्रोसेसिंग डेबिट क्रेडिट होता है उसका फोटो निकलेगा, जो बाहर आउटपुट आ रहा था उसका फोटो निकलेगा, और ये सारे फोटोज किसको भेज जाएंगे, ऑल द फोटोज विल बी स्नैपशॉट विल बी कवर्ड, स्नैपशॉट विल टेक ऑल द फोटोज एंड देन इट विल बी सेंड टू द ऑडिटर, और सो द ऑडिटर विल अंडरस्टैंड कि ये जितना पैसा विड्रॉ हुआ था उतना ही उसके नाम पर डेबिट हुआ था, इसको बोलते हैं स्नैपशॉट। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्नैपशॉट एंड स्कार्फ। स्कार्फ क्या करता है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन की फोटो निकालता है जहां पर एरर है, स्कार्फ भी फोटो ही निकालता है, बस स्कार्फ पहले चेक करता है कि ट्रांजैक्शन में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, देयर विल बी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, स्कार्फ हमेशा चेक करेगा ये जो ट्रांजैक्शन जैसा होना चाहिए वैसे होगा। अगर नहीं हुआ, एग्जांपल 10% का उसको क्या देना चाहिए था, डिस्काउंट देने का अलाउड है, मान लो 12% का अगर डिस्काउंट दिया तो ये डेटा कहां जाएगा, हर बार जब डिस्काउंट देंगे तो ऑपरेटिंग जो जो क्लाइंट का सॉफ्टवेयर, वो डेटा कहां जाएगा, इनके स्कार्फ पे जाएगा। तो स्कार्फ बोलेगा, बोले बोल रहे भाई कितना डिस्काउंट दिया, बोलेगा 12 का दिया, अरे रुक मेरे यहां पे 10 ही लिखा है, रुक जा मैं तेरा नाम ऑडिटर को बोलता हूं, देन इट विल बी सेंट टू द ऑडिटर। मान लो 8% का डिस्काउंट दिया, वो बोलेगा 10 अलाउड है तूने 8 दिया, कोई बात नहीं ऑडिटर को इन्फॉर्म नहीं करूंगा। तो स्नैपशॉट फोटो निकालता है चाहे ट्रांजैक्शन गलत हो सही हो, बस कार उसी के फोटो निकालता है जहां पे ट्रांजैक्शन गलत हुआ होगा। आईटी, आपने राखी सावंत का और नाम सुना होगा, डमी सिस्टम। अब राखी सावंत हमारी ओरिजिनल सिस्टम और बिपाशा बासु हमारी डमी सिस्टम है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, वी जैसे कि आप जानते हो ओरिजिनल सिस्टम के ऊपर एक्सेस करना अलाउड नहीं है। अब जब भी ऑडिट करने जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का, यहां पे देखते हैं, ये मान लो ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, इसका ऑडिट हमें करना है और ये डमी है, तो आप क्या करते हैं, इसका जब एक्सेस करता है ना ऑडिटर, तो ऑडिटर को बोलते तो इसको एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज यहां पे अगर कुछ डमी एंट्री इंटर करेंगे तो हमारा पूरा डेटा खराब हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑडिटर बोलेंगे तो यहां पे मत कर। तो ऑडिटर क्या करता है, जानबूझ के डमी बना जिसका नाम है राखी और इसका नाम है हमारा बिपाशा।
तो बिपाशा को छूने नहीं देंगे बिकॉज ओरिजिनल है, राखी डुप्लीकेट है, राखी को छूने देंगे बिकॉज ये ऑल्टर में बनाई डमी है। तो इसके ऊपर डमी एंट्री करेंगे, अगर राखी सही आउटपुट दे दे बोलो ना, तो हम लोग मानेंगे कि बिपाशा इज ऑल्सो गिविंग द करेक्ट पॉट। एग्जाम्पल ले लेंगे दोस्तों, टैली के अंदर हमने दो कंपनी बनाई, एक बिपाशा कंपनी बनाई, एक राखी बनाई, बिपाशा उनकी बनाई हुई, राखी ऑल्टर ने बनाई सिर्फ चेकिंग के वास्ते डमी। तो डमी एंट्रीज कहां डालेंगे, राखी पे, और राखी अगर डमी एंट्रीज का सही आउटपुट दे रहे तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि बिपाशा इज ऑल्सो वर्किंग प्रॉपरली। समझ गए, ये बात भी क्लियर है। उसके बाद में एक है सीआईएस, इसमें मोटा भाई छोटा भाई। अब क्या मोटा भाई छोटा भाई है, अब देखो यहां पे क्या होता ना, ये एटीएम है मान लो, और इसका ये प्रोसेस होगा और इसका आउटपुट निकलेगा। अभी एटीएम का प्रोसेस होगा, अब एटीएम सही काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, ये चेक करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक सीएस मॉडल बना दिया। तो जैसे कभी भी एटीएम में एक ट्रांजेक्शन हिट होता है वो सीएस पे भी जाता है, सीएस भी उसका क्या करता है, और सीएस भी उसका क्या करता है आउटपुट। अब क्या होता है, सीएस का ट्रांजेक्शन का प्रोसेसिंग हमेशा करेक्ट होगा बिकॉज वो ऑडिटर ने बैठा है, टूल है ये, ऑर्गेनाइजेशन का है। अब क्या होगा, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट क्या होगा, मैच होगा, और अगर यहां पे थोड़ा बहुत भी डिफरेंस निकला ना तो इट विल बी रिपोर्टेड टू द ऑडिटर, और बहुत बड़ा डिफरेंस निकला ना तो इस पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी कि हर कोई ट्रांजेक्शन जो सिस्टम पे होगा वो किसी वहां पे नहीं होगा, वो वहां पे सीएस पे भी दिया जाएगा, एंड द बोथ द ट्रांजेक्शन विल बी कंपेयर्ड। और अगर वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस मिला तो ऑडिटर को इन्फॉर्म करते हैं, और डिफरेंस नहीं मिला तो कुछ नहीं किया, और डिफरेंस बहुत बड़ा मिला तो इसको रोक दिया, इसको बोलते हैं CIS। लास्ट पॉइंट गाइस, कम ऑन, ऑडिट हुक। ऑडिट हुक जनरली कहां लगाते हैं, ऑडिट हुक कहां लगाते हैं, जहां पे एग्जांपल रियल टाइम मॉनिटरिंग की जरूरत है। फॉर एग्जांपल किसी ने फ्रॉड किया और हमारा डाउट है कि वो फ्रॉड कर, एग्जांपल किसी इंश्योरेंस कंपनी ने, किसी आदमी ने इंश्योरेंस कंपनी में ये था कि उनकी पॉलिसी मैच्योर होने से पहले लोग क्या करते थे, वहां के एम्प्लॉई वो अकाउंट होल्डर का बैंक अकाउंट हटा के अपना खुद का अकाउंट नंबर लगा देते थे। अब उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जैसे पॉलिसी मैच्योर होने से पहले ही वो अकाउंट नंबर जो चेंज कर दिया, उसके से क्या हो रहा था, पॉलिसी के पैसे वो छोटे जो एम्प्लॉय थे उनके नाम पे आ रहे थे, पर तब तक वो एम्प्लॉय जब तक पकड़ में आता वो भाग जाता था। अब इनको रंगे हाथों पकड़ने के लिए उन्होंने क्या करा, ऑडिट हुक नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो सारे एम्प्लॉय के अकाउंट से कनेक्ट कर दिया। जब भी किसी एम्प्लॉय ने कुछ भी चेंजेस किया ड्यू डेट में या फिर बैंक अकाउंट नंबर अपना डाल दिया, उसका रिपोर्टिंग, फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर को कोई पॉलिसी मैच्योर होने वाली थी, एम्प्लॉय ने 26 दिसंबर के दिन अपना नाम अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया ताकि 31 दिसंबर को उसको पैसे मिल जाए। जैसे उसने ट्रांजैक्शन किया, ऑडिट होने के आ गया, उसकी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को दे दी, ऑडिटर ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया और उसको पकड़वा गया, पुलिस में डाल दिया। इसको बोलते ऑडिट हुक, टू मॉनिटर रियल टाइम सस्पिशियस अकाउंट्स, इट इज देयर टू मॉनिटर सस्पिशियस अकाउंट, उसको बोलते रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो बताएंगे पांच ऑडिट टूल्स को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉन्करेंट ऑडिट टूल बोलते हैं। एक स्नैपशॉट और स्कार्फ, कौन सा सिर्फ फोटो निकालता है, स्नैपशॉट, कौन सा सिर्फ उनके निकालता जो एरर्स है, स्कार्फ, कौन सा मोटा भाई छोटा भाई, सीएस। अब कौन सा वो है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग और सस्पिशियस अकाउंट, जो अभी हमने देखा ऑडिट टूल, और कौन सा वो है बिपाशा राखी जहां पर डमी बना दे, उसको बोलते हैं ITF। ये सारे खत्म हो गए। और दोस्तों ये जो है ना, ये मुझे लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टाइम है तो पढ़ लेना, बाकी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है, वी आर डन विद एवरीथिंग गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड, वी आर डन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो बताएंगे दोस्तों चैप्टर के तीन बच्चे कौन से कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स के कंट्रोल, वापस बोलो, दो मिनट के लिए रिवाइज करें, बस खत्म कर रहे, बोलो कौन से इस चैप्टर के तीन बच्चे, एक दो तीन, बोलो कौन से कंपोनेंट्स, फ्रिज कंपोनेंट के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क, इसकी थ्रेड्स के लिए हम लोग लगाते हैं कंट्रोल। कंट्रोल के तीन बच्चे हैं, ऑब्जेक्टिव वाइज, ISR वाइज और साथ में ऑडिट वाइज। इसके तीन बच्चे हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। इसके तीन बच्चे हैं, फिजिकल, एनवायरमेंटल, लॉजिकल। इसके दो बच्चे कौन से, एक मैनेजरियल और एक एप्लीकेशन। और यहाँ पे इनका करते हैं ऑडिट। ये कंट्रोल जो लगाया हुआ सही चल रहा है कि नहीं, इसलिए उसका ऑडिट करेंगे। ऑडिट इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी, इसका सबका ऑडिट आपको 3.76 पेज में दिया है। और 3.75 पेज में आपने अभी देखा एक ऑडिट के ऑब्जेक्टिव देखे, जो आपने बोला था सिर्फ सिक्योरिटी नहीं चेक करेंगे, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस भी चेक करते हैं। फिर हमने देखा था कि आखिर ऑडिट करने की नीड क्या है, तो हमने गूगल का एग्जाम्पल लिया था, टैली का एग्जाम्पल, सिटी बैंक, SPC है, और साथ साथ NSCBSE इनका सबका एग्जाम्पल लिया था। और लास्ट में हमने कॉन्करेंट ऑडिट टूल में पांच बच्चे देखे थे, एक तो स्कार्फ देखा था, स्नैपशॉट देखा, ITF, CIS एंड व्हाट ऑडिट हुक, ये सब यहां पे देख लिया। इस तरह से ये चैप्टर हमारा जो है वो खत्म हो चुका है।